अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था इस वीडियो का कि एमसीक्यू सॉल्व करवा दें फर्स्ट ईयर के। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अच्छा, लेंथ मुझे नहीं पता लेक्चर की लेंथ क्या होगी, 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प ऐड किया हुआ होगा, उसमें आप देख लेना कि किस मिनट से लेके किस मिनट तक कौन सा चैप्टर है, ताकि आपको जो चैप्टर के एमसीक्यूज करने हैं रिवाइज के लिए जो भी है, तो वहाँ पे देखना आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर मैंने किस मिनट पे करवाया है। दूसरी चीज़ जो मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ मैंने बहुत ही तरीके से अरेंज किया हुआ है, हर चैप्टर वाइज मैंने अरेंज किया है, हर चैप्टर के एंड होने पर मैंने आंसर की ऐड की हुई है, हर चैप्टर के स्टार्ट में आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे जिनके नंबर जो हैं मैंने बोल्ड किए हुए हैं। इसका मतलब ये है बोल्ड करने का कि ये एमसीक्यूज पास पेपर में आ चुके हैं, तो हर चैप्टर के स्टार्ट में आपको बोल्ड वाले एमसीक्यूज मिलेंगे, तो समझ जाना ये वो एमसीक्यूज हैं जिन जो पास पेपर में आ चुके हैं। तो ये शुरू में ही है, हर चैप्टर के स्टार्ट में ये सब एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे, उसमें शुरू के 8 एमसीक्यूज को मैंने बोल्ड किया हुआ है, पूरे एमसीक्यूज को नहीं, उनके नंबर को बोल्ड किया हुआ है, तो समझ जाना ये पास पेपर में आ चुके हैं। उसके अलावा जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने अपनी तरफ से डाले हैं, काइंड ऑफ आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी हो जाए। तीसरी बात यार, ये एमसीक्यूज आपके 100% नहीं लग सकते, अगर आपका पेपर के एमसीक्यूज सारे पास पेपर से आए तो फिर तो लग जाएंगे, 50 out of 50 आपके नंबर आ जाएंगे एमसीक्यूज में, लेकिन अगर हल्का फुल्का चेंजिंग हुई तो कहां से आप करोगे। देखो, एक पीडीएफ आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको आते हैं तो इंशाल्लाह आपके फुल एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाएंगे, अगर पास पेपर से हट के आया। अगर तो पास पेपर जैसा आया तो फिर तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह ये पीडीएफ अगर आप लोग कर लोगे तो 90% आपके आराम से नंबर आ जाएंगे एमसीक्यूज के अंदर। अगर 25 एमसीक्यूज है तो आप आसानी से 22-23 आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद जो एमसीक्यूज होंगे डिपेंड करता है आपकी कितनी प्रिपरेशन है, उसके मुताबिक आपको अटेम्प्ट कर लोगे। और आखिरी बात यार, इस एमसीक्यूज की वीडियो पे बहुत मेहनत लगने वाली है, तो इस वीडियो को लाजमी आप लोगों ने शेयर करना है। जो भी आपको अपना दोस्त मिलता है या कोई ऐसा बंदा मिलता है कि जिसको फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज की ज़रूरत है, तो आप लोग लाजमी उसको शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। पीडीएफ आप लोगों के पास मौजूद है, इस पीडीएफ को अपने सामने प्रिंट करके रख लेना, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको सॉल्व करते जाना। शुरू के 8 एमसीक्यूज पास पेपर के, उनको देख लेते हैं पहले। चैप्टर नंबर 1 सबसे पहला एमसीक्यू दिखा हुआ है कि अगर ए और बी आपको गिवन है, आपको निकालना है ए माइनस बी, तो जो सेट ए है वो क्या है 2,3 माइनस सेट बी क्या है 1,2। तो दो सेट को जब आप माइनस करते हो तो किस तरीके से माइनस करते हो, जो पहला सेट है उसको आप कंसीडर करते हो। पहला सेट कौन सा है, ये वाला है। इस सेट में से आप वो वाले एलिमेंट को कैंसिल कर दोगे जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद है, तो देखो 2 जो है वो दूसरे सेट के अंदर मौजूद है, तो इस सेट में से आप 2 को कैंसिल कर दो। कंसीडर आपने पहले सेट को ही करना है, जो एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होंगे आप पहले सेट से ही कैंसिल करोगे। जब सब कैंसिल हो जाएंगे उसके बाद जो पहला सेट बचा है वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो पहले सेट में जस्ट 3 बचा हुआ है, तो उसका मतलब आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक है। दूसरे में ए बी सी गिवन है और आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये मॉडल पेपर में भी एमसीक्यूज आया हुआ था, मैंने वहां पे करवाया हुआ था। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी और सी के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 है, तो बी इंटरसेक्शन सी 2 आ जाएगा। यार एक और चीज़ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, टाइम कम है, तो अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप पकड़ लोगे, वरना आप लोगों को मसला हो सकता है। तो कोशिश करना कि हल्के फुल्के फॉर्मूले कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना, तब आपके बात समझ आएगी। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी 2 के बराबर है। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए यहां पे क्या है, ए मौजूद है 0,1 और क्रॉस किसका निकालना है आपको, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 2 के बराबर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है, आप एक बड़ा सेट बनाओ, ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई करो 2 से, लिखने का तरीका होगा 0,2। 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, लिखने का तरीका होगा 1,2। तो ये इसका रिजल्ट है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ठीक है। तीसरे में लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर एनी 2 सेट देन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा आपसे डिमॉर्गन लॉ पूछा गया है। डिमॉर्गन लॉ 2 होते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। दूसरा डिमॉर्गन लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो
तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। तो ये दो डिमॉर्गन लॉ है, इन दोनों को आप लोग याद रख लेना। यहाँ पे बाय द वे ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक है और ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। कोई मिस्टेक अगर आपको नजर आए इसमें तो आप लाजमी मुझसे शेयर कर लेना आंसर की में या किसी एमसीक्यूज में। फोर में लिखा हुआ है इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, देन आपसे पूछा जा रहा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा। अब इन सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपनी तरफ से ए लेट कर लो और यूनिवर्सल सेट लेट कर लो, उसके बाद इनके दरमियान ये परफॉर्म करो, या दूसरे तरीका आप इसको समझ भी लो। समझने का मतलब क्या होगा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट हटा दो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए का मतलब यूनिवर्सल में से आपने ए के एलिमेंट हटा दिए, यूनियन आप दोबारा ए से ले रहे हो, तो जो यहां पे आपने यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट हटाए थे यूनियन लेते हुए दोबारा आपने यूनिवर्सल के अंदर ए के एलिमेंट ऐड कर दिए, तो एंड रिजल्ट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर। भाई देखो इसमें आपने यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट हटाए थे, आपने ए से यूनियन लेके जो एलिमेंट हटाए थे वो दोबारा यूनियन लिया आपने, दोबारा एलिमेंट ऐड कर दिए, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट दोबारा अपनी जगह पे मौजूद हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो इसको। और अगर दूसरा तरीका है तो आप लेट कर लेना ए कंसीडर कर लो, वन टू लेट कर लेना और यूनिवर्सल सेट को आप लेट कर लेना वन टू थ्री फोर फाइव, फिर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, देखना वो यूनिवर्सल सेट के बराबर ही आ रहा होगा। इस तरह भी आप कर सकते हो और वैसे जो मैंने आपको समझाया उस तरीके से भी आप समझ के इसको कर सकते हो। बस इसके लिए आपको मतलब आना चाहिए कि ए कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कि यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट निकाल दो। यूनियन किसको रिप्रेजेंट करता है, कि दोनों के एलिमेंट को कंबाइन लिखो, तो जो यहाँ से आपने यूनिवर्सल के एलिमेंट निकाले थे यूनियन लेते हुए दोबारा आपने वो एलिमेंट लिख दिए, तो उसका मतलब यूनिवर्सल को एंड में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो निकला था वो दोबारा आपने ऐड कर दिया। फाइव में लिखा हुआ है ए बी आपको गिवन है और आपको निकालना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए माइनस बी निकालते हैं, ए है 2.3, बी है 3.4। अगेन वही बात, पहले वाले सेट को कंसीडर करो, जो कॉमन एलिमेंट है कैंसिल कर दो, तो ए माइनस बी आ रहा है 2 के बराबर। फिर आपने ए माइनस बी का इंटरसेक्शन लेना है बी से, तो ए माइनस बी है 2, इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ पे 3.4। तो आपको दिखने में लग रहा है इनके दरमियान कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो ये बराबर हो जाएगा एम्प्टी सेट के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ठीक है। और वैसे इसकी सेंस भी बनती है अगर आप इसको थोड़ा सा सोचो ना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी को सेंस इसलिए बनती है कि ए माइनस बी का मतलब ए में से आप बी के एलिमेंट को हटा दो, तो जब आपने बी के एलिमेंट सारे हटा दिए तो अब जब आप इंटरसेक्शन लोगे बी से तो एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि यहां पे आपने सारे बी के एलिमेंट हटा दिए, तो अब क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो वैसे भी आप इसको समझ सकते हो इस तरह। सिक्स में अगेन अब आपसे बोला गया है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो आपने भी निकाला था, इसका भी आप कॉम्प्लीमेंट लो। तो उसको करने का बड़ा आसान तरीका है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपने देखा था किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल के बराबर, दोनों तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये पूरी चीज इसके अंदर जो आंसर था वो किसके बराबर था, यूनिवर्सल के बराबर था, ठीक है। अब इस सवाल में क्या करना है, बेसिकली यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हो, आप उस सेट को यूनिवर्सल से माइनस करते हो ना, तो यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि यूनिवर्सल को यूनिवर्सल से ही माइनस कर दो। जैसे अगर यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट होता तो आप लिखते यूनिवर्सल माइनस ए, बी होता तो आप लिखते यूनिवर्सल माइनस बी, यहां पे यूनिवर्सल ही है तो आप लिखोगे यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, जो कि अगर एक सेट को अपने आप से माइनस कर दोगे तो सब एलिमेंट खत्म, पीछे क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बच जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सेवन में लिखा हुआ है, हल्की सी चीजें चेंज किया उन्होंने, लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बहुत इजी है आपको बताना इस चीज को। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, कि यूनिवर्सल में से आपने ए के सारे एलिमेंट हटा दिए थे, तो अब इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर नहीं है, तो अगर आप उनका इंटरसेक्शन लोगे ए से तो एम्प्टी सेट आएगा। जैसे आपने यहां पर देखा था, अगर यहां पर आप ए कॉम्प्लीमेंट लोगे ना इस वाले एग्जाम्पल में, तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा यू में से ए के एलिमेंट हटा दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा 3, 4, 5। अब मुझे बताओ अगर ए कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन लोगे तो एम्प्टी सेट आएगा, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा इनका, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में सारे आपने ए के एलिमेंट को हटा दिया था, तो अब इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब इसका रिजल्ट होगा एम्प्टी सेट। अब आपको लेना है एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन, तो वही कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करते हो, यूनिवर्सल से माइनस करते हो,
यहाँ पे एम टी का लेना है तो एम टी को यूनिवर्सल से माइनस करो, यूनिवर्सल को कोई असर नहीं होगा, यूनिवर्सल अपनी जगह पे ही रहेगा क्योंकि एम टी के अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं होते, तो क्या कैंसिल करोगे आप? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। एट में लिखा हुआ था नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट गिवन और आपसे बोला जा रहा है कि बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है x such that x belongs to integer और x है माइनस वन से ग्रेटर और इक्वल टू और फाइव से कम है और इक्वल टू। अब असल में जो x है वो ये चीज है, x की ये पूरी वैल्यूज है, मतलब ये सेट जो है ये x के बराबर है। अब x की वैल्यूज क्या है ये आप निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि सेट क्या है। x है माइनस वन और फाइव के दरमियान जिसमें माइनस वन और फाइव भी शामिल है, लेकिन x यहां पे शुरू में मेंशन किया गया था कि वो इंटीजर है। इंटीजर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 या माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री या जीरो, ये सब इंटीजर्स होते हैं जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन शामिल नहीं है। तो अब माइनस वन और फाइव के दरमियान इंटीजर्स कौन कौन से हैं? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। माइनस वन और फाइव के दरमियान ये पांच इंटीजर हैं। अब इस इनइक्वालिटी को गौर से देखो तो इसमें इक्वल भी आ रहा है, इसका मतलब इसमें माइनस वन भी शामिल है और इसमें फाइव भी शामिल है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर? टोटल सात एलिमेंट्स हैं। तो आपसे ही पूछा गया था कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो सेवन, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ये टोटल आठ पास पेपर में आ चुके थे, तो अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है तो जितने पास पेपर से वो एमसीक्यूज हैं एटलीस्ट आप ये कर लो तो कुछ ना कुछ बन जाएगी बात। नाइन में लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट देन ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सी बात है कि ए यूनियन बी मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन कब बराबर होंगे, तो याद रखना अगर दो सेट आपस में इक्वल हैं तो तीन चीजें होती हैं। अगर दो सेट इक्वल हैं तो ए यूनियन बी बराबर होता है बी ए इंटरसेक्शन बी के, इसी तरह ए माइनस बी बराबर होता है बी माइनस ए के, इसी तरह ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस ए के। ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होंगी, सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर ए और बी आपस में बराबर है। अगर ए और बी बराबर है तो यूनियन इंटरसेक्शन बराबर हो जाएंगे। इसी तरह डिफरेंस में ऑर्डर मैटर करता था, ए माइनस बी, बी माइनस ए अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर ए बराबर है बी के ये भी बराबर हो जाएंगे, इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट भी बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों सवाल किसी तरीके से भी आ सकते हैं, तीनों की एक ही कंडीशन है कि अगर सेट ए बी के बराबर है तब ये ऐसा हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। 10 में लिखा हुआ है एवरी सेट इज द डैश ऑफ इटसेल्फ इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट जो है ये अपना सबसेट है लेकिन इम्प्रॉपर वाला, प्रॉपर नहीं होता। ये मैंने सबसेट में आपको दो बताए थे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो कोई भी सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ऑप्शन नंबर बी। 11 में लिखा हुआ था पावर सेट ऑफ एनी एम्प्टी सेट। देखो अगर आप एम्प्टी सेट का पावर सेट बनाओगे ना तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि एम्प्टी पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सबसेट। अगर आप एम्प्टी सेट का सबसेट बनाओगे तो एक ही बनता है, एम्प्टी सेट का सबसेट एक ही होता है, इसका मतलब पावर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा। और ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो उसको आप कहते हो सिंगलटन सेट, ऑप्शन नंबर बी। सबसेट के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का और अगर ए और बी आपस में बराबर है तब आप बोलोगे कि ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर की सबसेट की डेफिनेशन ये थी कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और ए और बी आपस में बराबर हैं तब आप बोलोगे कि ए जो है वो सबसेट तो है बी का लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये मैंने इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में डिटेल में चीज बताई थी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब ये सारे वही एमसीक्यूज हैं जो थ्योरी में आप पढ़ चुके हो, तो अगर एग्जाम में थोड़ा हट के आएगा तो वो थ्योरी से ही आएगा, कोई बाहर से नहीं आपको दे देंगे। 13 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे ये डिफरेंस है ना ये कम्यूटेटिव लॉ है, ए माइनस बी, बी माइनस ए। नॉर्मल कंडीशन में डिफरेंस जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ये दोनों अलग अलग आते हैं, इस सिचुएशन में ये बराबर था। लेकिन जैसे अगर आप यूनियन की बात करो, यूनियन कम्यूटेटिव है, आप ए यूनियन बी मालूम करो या आप बी यूनियन ए मालूम करो, दोनों के आंसर बराबर होंगे, ठीक है। तो कम्यूटेटिव में आप ऑर्डर चेंज कर देते हो, तो ऑप्शन नंबर डी देखो वो कम्यूटेटिव लिखा हुआ है। इसी तरह इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करता है, ए इंटरसेक्शन बी करो या ए सॉरी बी इंटरसेक्शन ए करो, बात एक ही होती है। अच्छा ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसको ध्यान में रखना, कम्यूटेटिव में ऑपरेशन चेंज नहीं होगा, इसमें तो एक तरफ यूनियन है एक तरफ इंटरसेक्शन है, तो इसको ये नहीं समझना कि ये कम्यूटेटिव है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक है। 14 में बोला हुआ है विच वन इज अ नल सेट। देखो नल सेट की दो ही नोटेशन है, अगर वो आएगा तो आप नल सेट गाओगे। एक नोटेशन हम यूज करते हैं एम टी, जो कि अच्छी फाई यूज करते हैं, ये अच्छी वाली नोटेशन है।
दूसरी आप ये वाली बहुत कम देखोगे, लेकिन ये भी यूज होती है। इसके अलावा कोई भी और आएगा तो वो एम्प्टी सेट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे ठीक है। 15 में आपसे डी मॉर्गन लॉ की ये चीज पूछी गई है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ऑप्शन नंबर बी। 16 में बोला हुआ है कि टू सेट एक्स और वाई अगर डिसजॉइंट है, तो अगर दो सेट डिसजॉइंट होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है पूरा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई एम्प्टी सेट होगा। 17 में आपको यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही आसान सवाल है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट को आपने हटाना है, तो जरा देख लेते हैं इसको किस तरह हम करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा वैल्यूज यार आप लोग पीडीएफ से देख लेना। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, बी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल है 1, 2, 3 अप टू 10 तक। अब मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि दरमियान में आपने कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये यूनिवर्सल है माइनस बी। आप अभी बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो माइनस बी, बी यहां पर क्या है 6, 7, तो आप यूनिवर्सल में से 6 और 7 को हटा दो तो पीछे क्या बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10। तो जो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आया इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है ए से। ए यहां पे क्या है 1, 2, 5। तो देखो यहां पे अगर आप इस सेट और इस सेट में कॉमन देखो तो क्या आ रहा है, ये 1, 2, 5 ही कॉमन आ रहा है। इसमें भी 1, 2, 5 मौजूद है, इसमें भी 1, 2, 5 मौजूद है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है 1, 2, 5 जो के बराबर है सेट ए के। सेट ए भी 1, 2, 5 है और इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी 1, 2, 5 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर में 1, 2, 5 भी लिखा जा सकता है और इसके आंसर में ए भी लिखा हो सकता है, दोनों इसके राइट ऑप्शन होंगे। तो यहां पे उन्होंने ए लिखा हुआ है तो ए राइट ऑप्शन है। 18 में लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज एन देन पावर सेट ऑफ ए। देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं पावर सेट के अंदर, अगर आप ये दोनों शायद यहां पर मौजूद होंगे, मैं एक साथ ही बता रहा हूं कि अगर आपने पावर सेट कोई भी एक सेट है मालूम करना है कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। बेसिकली 2 की पावर n फॉर्मूला आपको बताता है कि किसी सेट के कितने सबसेट होंगे। तो भाई जितने सबसेट होंगे उतना ही पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि पावर सेट क्या होता है कलेक्शन ऑफ सबसेट। तो 2 की पावर n सबसेट होते हैं तो पावर सेट के अंदर भी एलिमेंट्स कितने होंगे 2 की पावर n होंगे। तो यह फॉर्मूला होता है किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सेट का अगर आप पावर सेट निकाल लो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आप किसी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो लेट कर लो अगर ए है उसके अंदर पी एलिमेंट्स हैं क्रॉस बी, और बी के अंदर आपके पास क्यू एलिमेंट्स हैं, मतलब आपको निकालना है ए क्रॉस बी, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है। मैं इसको स्पेसिफिक कर देता हूं, लेट कर लो ए के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 एलिमेंट है, तो जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 × 3 = 12। इसका मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना इन दोनों सेट का उसके अंदर 12 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों आपको याद होने चाहिए। वो वाला एमसीक्यूज आपको यहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं वो जनरलाइज बात भी कर सकते हैं कि सेट ए के अंदर पी एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर क्यू एलिमेंट हैं, तो बताओ इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दो तो इतने इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। 19 में आपको एस गिवन है, टी गिवन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो भाई सिंपल सी बात है एस क्रॉस टी का मतलब क्या होगा, एस को मल्टीप्लाई करो टी से। तो एस है भाई 0, 1 और टी क्या है 2, 3। जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो लिखो 0, 2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 0, 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1, 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 1, 3। ये रिजल्ट है और ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। 20 में लिखा हुआ है ए यूनियन एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट यूनियन ए, भाई ये ए के बराबर ही होगा
क्योंकि यूनियन में आप दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखते हो ना, अब एम्प्टी सेट के अंदर कुछ होता ही नहीं है तो क्या लिखोगे। तो अगर ए का यूनियन आप एम्प्टी सेट से लो या एम्प्टी सेट का यूनियन ए से लो, आंसर में आपको हमेशा ए मिलेगा, कोई चेंजिंग ही नहीं होगी इसके अंदर। एम्प्टी सेट जो है वो कोई चेंजिंग नहीं करता, आप ए माइनस एम्प्टी सेट कर लो, आप ए यूनियन एम्प्टी सेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ही आंसर होगा इसका। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हुआ तो फिर उसका आंसर एम्प्टी सेट हो जाएगा। मतलब अगर ये चीज आ जाए तो इस पूरी चीज का आंसर एम्प्टी सेट होगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट लिखते हो, ए और एम्प्टी सेट के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये हल्की फुल्की वेरिएशन है जो आपको वो एग्जाम में दे सकते हैं, आपको थोड़ा मेंटली तैयार रहना पड़ेगा इन चीजों से रिलेटेड, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, हालांकि मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन हल्का सा आप सोचोगे आपको समझ आ जाएगा कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इनके अंदर, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना टाइम हुआ है, 20 मिनट में हमने चैप्टर 1 कर लिया है, इंशाल्लाह यही हमने पेस रखना है अपना। आंसर की जो है वो आपको साइड पे मिल जाएगी, दैट्स इट। अब आ जाओ आप चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 के भी 20 एमसीक्यूज है, ज्यादातर चैप्टर्स के 20 एमसीक्यूज ही मैंने डाले हुए हैं यहाँ पे। चैप्टर नंबर 2 के शुरू के जो 16 एमसीक्यूज हैं सबको मैंने बोल्ड किया हुआ है, वो सब एमसीक्यूज पास पेपर में आ चुके हैं, तो सबको मैंने बोल्ड किया हुआ है, इनको जरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। सबसे पहले में लिखा हुआ है जेड इक्वल टू ए बी देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ये फॉर्मूला, इसको तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। 2 में लिखा हुआ है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन z बार, z और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल बार लगाई हुई है, इसका मतलब कॉन्जुगेट वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a कॉमा b, ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह भी लिख सकते हो a प्लस b आयोटा। तो असल चीज बतानी की है कि कॉन्जुगेट में आप क्या करते हो, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो। तो a कॉमा b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a कॉमा माइनस b, आपने जो इमेजनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज कर दिया, और इस नोटेशन में आप क्या लिखोगे, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो इस नोटेशन में पूछा गया था ऑप्शन नंबर a जो है वो यहां पे ठीक है। 3 में आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब, तो ये शुरू की 4 की वैल्यू याद रख लो, आयोटा की तो एस एच आयोटा ही लिखते हैं हम, लेकिन अगर आप आयोटा की वैल्यू पूछो तो रूट माइनस 1 होती है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 के बराबर, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा के बराबर, और आयोटा 4 होता है 1 के बराबर। तो आयोटा क्यूब आपसे पूछा गया, माइनस आयोटा इसका ऑप्शन है। 4 में आपसे बोला हुआ है रियल एंड इमेजनरी पार्ट बताओ, किसके, आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा। तो जरा सॉल्व करते हैं, आयोटा को 3 से करो 3 आयोटा, आयोटा को माइनस 2 आयोटा से करो तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, अरेंज करके लिखो तो 2 प्लस 3 आयोटा। तो रियल पार्ट यहां पे क्या है, 2 के बराबर, इमेजिनरी पार्ट यहां पे क्या है, 3 के बराबर, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहां पे ठीक है। 5 में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया हुआ है, पूरा फॉर्मूला ये भी, ये आप लोगों के पास पेपर में आ चुके हैं, एग्जैक्ट फॉर्मूले पूछे हुए, तभी मैंने कहा फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अपने पास आप लोग सब चैप्टर्स के फॉर्मूले लिख लो काफी हो जाएगा। ऑप्शन ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है ना वो करेक्ट फॉर्मूला होता है। 6 में आ जाओ, 6 में आपसे पूछा गया है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बस इसमें फर्क ये कि आपको सेपरेट करना है, बाकी तो हर चीज़ हुई भी है, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3। तो ज़रा इसका एलसीएम ब्रेक कर दो, आप इसको इस तरह लिख सकते हो 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 आयोटा लिख दो, या आयोटा अपॉन 3 लिख दो, बात एक ही है, 1 ने बेचारे ने क्या बिगाड़ना है आपका। बहरहाल इसमें आपसे रियल एंड इमेजनरी पूछा गया था, तो रियल है 2 अपॉन 3, इमेजनरी है माइनस 1 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 7 में आपसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा गया है, इस पर आप फॉर्मूला लगा दोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस 3 कॉमा 8, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए यहाँ पे माइनस 3 है, बी यहाँ पे 8 है, तो ऊपर लिखो माइनस 3, नीचे आप करते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, फिर होता है माइनस बी, बी यहाँ पे क्या है 8 के बराबर, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 73, ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 73, ऑप्शन नंबर डी। 8 में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है
जेड इक्वल टू माइनस फोर प्लस थ्री आयोटा, और आपको निकालना है जेड बार, मतलब जेड कॉन्जुगेट। आपको मैंने बताया कॉन्जुगेट में जस्ट जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करते हो, ये पॉजिटिव थ्री है इसको आप नेगेटिव थ्री कर दो। रियल कुछ भी है, रियल से आपका वास्ता नहीं है, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो इमेजनरी है उसका साइन आपने चेंज करना होता है। तो ये भाई ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक है। नाइन में आयोटा की वैल्यू दी हुई है उसको तो इग्नोर कर दो, असल चीज़ आपको निकालनी क्या है, माइनस आयोटा का स्क्वायर निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। बहुत ईजी काम है। कैसे ईजी काम है, देखो माइनस की पावर अगर स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस को तो आप इग्नोर कर दो, जैसे घर में छोटा बच्चा छोटा भाई इग्नोर होता है। अब आयोटा क्यूब का आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस को तो हमने थले लगा दी है। आयोटा क्यूब का जब स्क्वायर करोगे तो आयोटा सिक्स हो जाएगा। अब आयोटा सिक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने लेक्चर में बताया भाई कैसे निकालते हैं, इसको सिंपल आप ब्रेक कर दो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो आयोटा सिक्स को आप इस तरह लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर का क्यूब। आयोटा स्क्वायर क्या होता है भाई, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, अभी बताया था, ठीक है, माइनस वन की पावर क्यूब माइनस वन के बराबर होगा। आपको पता है माइनस वन की अगर इवन पावर होती तो वन हो जाता, माइनस वन की ऑड पावर है तो वो माइनस वन रहेगा। इस तरीके से आप वैल्यू निकालोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे ठीक है। टेन में आपसे पूछा गया है भाई पाए जो है ये क्या होता है भाई, इरेशनल नंबर होता है, बहुत मशहूर एमसीक्यूज है, ऑप्शन नंबर डी। 11 में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मेरा मशवरा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट अभी भी इस चीज़ को समझते हैं, वीडियो देखने के बाद तो आप समझ जाएंगे वो। खैर मैंने वीडियो तो पहले भी अपलोड की हुई है, उस वक्त भी नहीं समझे आप लोग, कि वो समझते हैं कि दरमियान का साइन चेंज करना होता है कॉन्जुगेट में। ये पॉसिबल है जब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, अगर कोई रैंडम दो नंबर लिखे हुए ना कोई भी है, ए प्लस बी लिखा हुआ, तो दरमियान का साइन ही चेंज करते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में दरमियान का साइन नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी का आप साइन चेंज करते हो। अब अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख दो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप दरमियान का चेंज कर देना। ये फॉर्म कौन सी है कि पहले आप रियल लिखो फिर आप इमेजनरी लिखो, फिर तो आपको मसला नहीं होगा, फिर आप दरमियान के साइन चेंज करोगे। तो खैर अगर अपनी हैबिट बना लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है ताकि आपको मसले ना हो। अच्छा ये पूरा जेड है, निकालना आपको है जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। तो जेड है थ्री प्लस फोर आयोटा प्लस जेड का कॉन्जुगेट, इसका जब कॉन्जुगेट लोगे तो आएगा थ्री माइनस फोर आयोटा। तो जब इनको ऐड करोगे फोर आयोटा से, माइनस फोर आयोटा कैंसिल, थ्री प्लस थ्री सिक्स के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 12 में लिखा हुआ है कि भाई एक इक्वेशन है एक्स प्लस थ्री आयोटा इक्वल टू टू वाई आयोटा, और आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी जा रही है। भाई देखो इस तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस तरफ जस्ट इमेजनरी लिखा हुआ है, तो ये कैसे इक्वल होंगे, हम इसको बना देते हैं इक्वल। आप इसको इस तरह लिख दो जीरो प्लस टू वाई आयोटा। अब आपको देखने में लग रहा है कि दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो इसका मतलब क्या होता है, उनके रियल पार्ट भी इक्वल है, उनके इमेजनरी पार्ट भी इक्वल है। तो रियल पार्ट यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जीरो है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। लो भाई एक्स की वैल्यू तो आ गई, इनके इमेजनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट थ्री है, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट टू वाई है, तो वाई की वैल्यू निकालो, थ्री अपॉइंट टू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू थ्री अपॉइंट टू। अच्छा उन्होंने देखो पूछा है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, तो ऑर्डर मैटर करता है, पहले आप एक्स की वैल्यू बताओ जीरो, फिर आप वाई की वैल्यू बताओ थ्री अपॉइंट टू, ऑप्शन नंबर डी। 13 में अगेन वही सवाल है, रियल एंड इमेजनरी पार्ट, सॉरी 13 में उन्होंने जस्ट इमेजनरी पार्ट पूछा है, लेकिन पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर लो आप लोग। सॉल्व कैसे करोगे भाई, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस वन को फाइव से करो, माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है। थ्री माइनस फाइव होता है माइनस टू, माइनस टू को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, माइनस टू आयोटा। क्या किया मैंने, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, माइनस वन को इस पॉजिटिव फाइव से करो तो माइनस फाइव हो जाएगा ये। थ्री माइनस फाइव होता है माइनस टू, आयोटा से मल्टीप्लाई करो, माइनस टू आयोटा। इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर आप आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो फिर आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट कर देना, फिर भी आप आंसर निकालोगे माइनस टू आयोटा आ रहा होगा। अच्छा माइनस टू आयोटा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट डायरेक्ट ठीक कर देते हैं उसको। हालांकि आपके बात ध्यान में रखनी है कि उन्होंने बोला है इमेजनरी पार्ट, पी ए आर टी। जब इमेजनरी पार्ट की बात की जाती है तो मेरे भाई आयोटा नहीं आता, और जब इमेजनरी नंबर बोला जाता तो फिर आपका आयोटा जो है ये आ जाता। तो अगर सवाल होता इमेजनरी नंबर बताओ तो माइनस टू आयोटा हो जाता,
यहां पे पूछा गया है इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, जस्ट माइनस टू, ऑप्शन नंबर सी यहां पे ठीक है। 14 में उन्होंने बताया कि z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है अच्छी बात है। असल चीज क्या है, ये चीज पूछी जा रही है कि z को अगर आप z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डिटेल में बताया हुआ है क्लास में। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट में मॉडुलस का स्क्वायर आता है। अब इसका प्रूफ नहीं मुझसे पूछना, प्रूफ आप लोग देख लेना, मैंने बताया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। 15 में आपसे आयोटा की पावर 33 का आंसर पूछा गया है, कैसे निकालोगे। देखो आपने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 33 2 के टेबल में नहीं आता, तो क्या करें इसका, एक अलग कर लेते हैं इसको, इसको आप 32 कर लो और एक पावर उसके अलग कर लो, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, 32 प्लस 1 दोबारा 33 हो जाएगा, लेकिन आपने अपनी आसानी के लिए आयोटा 32 और 33 में से एक पावर आपने सेपरेट कर ली। अब आयोटा की पावर 1 लिखो या खाली आयोटा लिखो, बात एक ही है। इस आयोटा को आपने बिल्कुल अभी इग्नोर कर देना है, जैसे मैंने बताया था घर का छोटा इग्नोर होता है। आयोटा 32 को आप ब्रेक कर दो इस फॉर्म में, आयोटा स्क्वायर की पावर 16। अब बहुत इजी है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, माइनस वन की जब पावर आप 16 लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वन की पावर 16 पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वन को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बिगाड़ लेगा आयोटा का, आयोटा ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 16 में आपसे मॉडुलस का जनरल फॉर्म पूछी गई है, तो मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर से उसका रूट ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। 16 या टोटल जितने पास पेपर में आ चुके हैं ना वो सब एमसीक्यूज मैंने करवा दिए, बाकी 4 एमसीक्यूज मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। 17 में बोला हुआ है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन इट्स कॉन्जुगेट लाइज इन, याद रखना अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाते हो और वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो उसका कॉन्जुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसका कॉन्जुगेट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, और उसको आप उल्टा भी कर सकते हो कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसका कॉन्जुगेट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, और अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसका कॉन्जुगेट फर्स्ट के अंदर हो जाएगा। तो यही बात पूछी गई है कॉन्जुगेट, अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है इधर है तो उसका कॉन्जुगेट कहां पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 में आपसे पूछा गया ये आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है जो आपने पढ़ी होगी 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में, 1 2 3 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ी होगी आपने, ये पूरी ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो मैं आपको बता देता हूं, उसका आधा हिस्सा पूछा गया, पूरा हिस्सा नहीं पूछा गया। ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये है z1 माइनस z2 इज लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस, थैंक यू ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि ये चीज बताओ कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस ये क्या होता है, तो दो आंसर आ सकते हैं इसके, कि अगर वो आपसे पूछे लेस किससे होता है तो ये पूरी चीज लेस होती है इससे, और अगर आपसे पूछें कि ये ग्रेटर किससे होता है तो ये ग्रेटर होता है इससे। अब आप ये ऑप्शन देके डिसाइड करोगे, ऑप्शन नंबर ए में इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल नहीं होता भाई, ऑप्शन नंबर बी में ग्रेटर लिखा हुआ है तो ये ग्रेटर इससे होता है, लेकिन आपको ये ऑप्शन में नजर ही नहीं आ रहा, वो तो z1 प्लस z2 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में देखो ये लेस है, ठीक है किससे, इससे लेस होता है, और यही चीज ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है, तो जैसे ऑप्शन नंबर सी ठीक है बाकियों को इग्नोर कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन है। आपसे बस इतना जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है ना वो आपसे पूछी गई है। 19 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आपको यहां पे एडिटिव इनवर्स निकालना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है तो बहुत ही बच्चों वाला तरीका है कि उस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3 -3। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता, 3.3, ये है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -3.3। और 20 में आखिरी चीज अगेन प्रॉपर्टी पूछी गई है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इंटू z2 मॉडुलस, z1 मल्टीप्लाई z2 का मॉडुलस, तो ये बराबर होता है z1 मॉडुलस मल्टीप्लाई z2 मॉडुलस, अगर यहां पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तब भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहां पे ठीक है। अब आप यहां पे देखो ऑब्जर्व करो, ये आपसे कुछ प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं, ये एडिटिव इनवर्स के बकायदा 2.2 में सवाल था, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद या 3 था 2.2 के अंदर, इसी तरह जितने सवाल, ये वाला सवाल 2.3 के अंदर था,
तो अब ये हैं जो पास पेपर में नहीं आए, ये जो आखिरी के चार करवाए पास पेपर में नहीं थे, लेकिन ये वही हैं जो आपने एक्सरसाइज में किया हुआ है या आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में दिया था आपको, चैप्टर नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। तो अगर एमसीक्यू हटके भी आता है तो वो आपकी एक्सरसाइज से ही आ रहा होता है, या बुक में कोई डेफिनेशन है या कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया था। तो अगर आपकी पास पेपर के एमसीक्यूज पक्के और आपने एक्सरसाइज सही तरीके से की हुई है तो आपको मसला नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। तो चैप्टर नंबर 2 के हो गए, इंशाल्लाह हम दोबारा बाद में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में जो शुरू के आई गेस कितने 17 एमसीक्यूज हैं, ये पास पेपर्स के हैं। उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं मैंने अपनी तरफ से डाले में, तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, लिखा हुआ है ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें पता है, निकालो भाई ओमेगा की पावर 256। आपको निकालना है ओमेगा की पावर 256। तो याद रखना, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी ओमेगा आता है ना और इसकी आपको हायर पावर निकालनी है तो इसको आप ब्रेक करते हो ओमेगा क्यूब की फॉर्म में। अब 256 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 255 आ जाओ, 255 3 के टेबल में आता है। तो आप इसको इस तरह लिखो, ओमेगा की पावर 255 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1। तो एक पावर आपने अलग कर ली। अब ओमेगा की पावर 255 किस तरह आप एक्सपेंड करोगे, आप इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब और 8 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, आप 255 को 3 से डिवाइड करना, 85 आ रहा होगा। तो ओमेगा की पावर 255 को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब की पावर 85, और यहां पे जो ओमेगा है वो अपनी जगह पे लिख दोगे। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 85 हो या 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर जो है वो 1 ही आता है। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी ओमेगा की हायर पावर निकालनी होती है तो आप हमेशा ब्रेक करोगे ओमेगा क्यूब की फॉर्म में। 2 में लिखा हुआ है फ्रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। जब रियल और अनइक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 3 में लिखा हुआ है फॉर द इक्वेशन द सम ऑफ रूट। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है एलएक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट निकाल लें, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट एम है और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो यहाँ पे एल है। तो सम ऑफ रूट है माइनस एम अपॉन एल। 4 में बोला हुआ है रूट ऑफ द इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स। जब रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी। 5 में आपको एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है भाई 2 की पावर 2x प्लस 3 और फिर लिखा हुआ है 32। आवाज़ बैठ गई बुलबुल के, अच्छा हम थोड़ा लो नोट पकड़ते हैं। 32 को आप ब्रेक कर सकते हो 2 की पावर 5 में, 32 की जगह आप लिख दो 2 की पावर 5। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का, नहीं मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरी आवाज़ तेज़ ही आएगी। बेसिस सेम बेसिकली आपने करनी होती है। तो यहाँ पे 32 था, 32 की जगह आप लिख दिया 2 की पावर 5, बेसिस सेम हो गई। तो पावर को आप इक्वेट करवा दो, 2x प्लस 3 बराबर है 5 के, 2x बराबर हो जाएगा 2 के, x बराबर हो जाएगा 1 के, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी। 6 में आपको बोला हुआ है कि आप प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन निकालो। अच्छा, इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7y माइनस 7। सबसे पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, दोनों टर्म को इधर ले आओ। अच्छा, फिर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y 1 प्लस 7 8 के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी यहाँ पे है 8, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट ए जो है वो 1 के बराबर है। तो इन शॉर्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट 8 के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी। 7 में बोला हुआ है कि रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे ठीक है। 8 में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स गिवन है, -4 और -8। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप सम ऑफ रूट निकालो, सम ऑफ रूट यहाँ पे 4 आ रहा है। आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट -32 आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पे -32 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का एक रूट, इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32, ऑप्शन नंबर ए।
9 में आपसे पूछा गया है कि वैल्यू बताओ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू होती है -1 के बराबर। ये मैंने क्लास में डिटेल में आप लोगों को चीजें बताई हुई है। 10 में अगेन आपको सम ऑफ रूट निकालना है, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b। अच्छा, इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 16 के बराबर है, तो b यहाँ पे -16 है और a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 12 के बराबर है, तो फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो माइनस माइनस पॉजिटिव, 4 से कैंसिल करो, 4/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर b। 11 में अगेन आपको दो रूट्स गिवन है, आपको यहाँ पे इक्वेशन मालूम करनी है। यहाँ पे एक रूट है 1/2, दूसरा रूट है -1/6। सबसे पहले आप इसका सम मालूम करो, एलसीएम यहाँ पे 6 आएगा, ये हो जाएगा 2/6 जो के बराबर होता है 1/3 के। अगर आपके कैलकुलेशन नहीं आती तो यूज कैलकुलेटर, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये चीज पुट करो, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 1/3। फिर आप यहाँ पे निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आएगा -1/12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? -1/12। इक्वेशन में आप फ्रैक्शन नहीं लिखते तो आप जो एलसीएम आ रहा है डिनोमिनेटर का उससे मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 और 12 का एलसीएम 12 ही होता है, तो आप पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करवाओ, 12 / 3 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करवाओ 12/12 1 के बराबर होता है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यहाँ पे 12 में देखो आपको मालूम करना है 1 + ω + ω² की होल पावर स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखो 1 + ω + ω² ये 3 क्यूब रूट है यूनिटी के और इनका सम क्या होता है 0 के बराबर होता है, तो ये पूरी चीज 0 के बराबर है, 0 का स्क्वायर करो तब भी आंसर 0 ही होता है। 13 में आपसे बोला है मालूम करो भाई ω³ + ω⁴ + ω⁵। याद रखना मैंने क्लास में बताया हुआ है कि ओमेगा की जो कंजेकेटिव पावर होती हैं एक साथ वाली पावर, जैसे ω³ ω⁴ ω⁵, इनको जब भी आप ऐड करते हो तो रिजल्ट 0 आता है। इसी तरह आयोटा अगर होता तो आयोटा की अगर 4 कंजेकेटिव पावर होती तो भी उसका सम 0 होता। ओमेगा के ऊपर आते हैं, लेट कर लो अगर यहाँ पे आ जाए ω² 256 + ω² 257 + ω² 258, तो जब 3 कंजेकेटिव ओमेगा की पावर आ रही है तो उनका सम 0 के बराबर होगा, और आयोटा वाले केस में 4 जब कंजेकेटिव पावर आती है तो उनका सम 0 होता है। 14 पे आ जाओ, 14 में आपको वैल्यू निकालनी है 1 + ω² का होल क्यूब। 1 + ω² आप लोगों को पता होना चाहिए -ω के बराबर होता है, तो आपको -ω³ निकालना है। -ω³ मतलब -ω³, क्योंकि माइनस का क्यूब होगा माइनस और ओमेगा का क्यूब हो जाएगा ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। 15 में आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पूछे गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 16, तो कैसे निकालोगे? 16 को उधर ले जाओ, -16 हो जाएगा, दोनों तरफ रूट लो, प्लस माइनस रूट माइनस 16 होगा। जब भी रूट के अंदर माइनस आता है तो आयोटा लिख दो और जो नंबर बचा है उसका रूट ले लो, तो माइनस आयोटा के बराबर हो गया और 16 का रूट क्या होता है 4, आप इसको इस तरह लिख दो 4 आयोटा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे एक रूट आएगा 4 आयोटा, एक रूट हो जाएगा -4 आयोटा, ऑप्शन नंबर 15 जो है वो यहाँ पे ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा जी, 16 में बोला हुआ ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, आपको निकालनी है ये चीज 2 - ω - ω² की पावर 2। तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट में इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आपको पता है ω + ω² -1 के बराबर होता है, तो बाहर है भाई माइनस और अंदर ω + ω² -1 के बराबर होता है। माइनस माइनस पॉजिटिव, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर करो तो 9 हो जाता है। 17 में आपके पास अगेन एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है 2 की पावर x + 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/32। सबसे पहले तो आप 32 को 2 की पावर में ब्रेक करो, 32 होता है 2 की पावर 5, फिर आप इसको ऊपर ले जाओ, 2 की पावर 5 जब ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर -5।
अब बेसिस सेम है तो पावर को आप इक्वेट करवा लो, 3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, एक्स का आंसर आ जाएगा -8। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे ठीक है। तो जो 17 एमसीक्यूज थे, जो पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, ये सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो बाकी एमसीक्यूज मैंने डाले हैं ज़रा उनको हम देख लेते हैं। एटीन में लिखा हुआ है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी देन क्यू माइनस फोर पी आर, क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर यहां पर क्या है? अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो 18 में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस फोर एसी निकालो, बी यहां पर क्यू है ठीक है, तो क्यू स्क्वायर माइनस फोर ए यहां पर पी है, सी यहां पर आर है। तो बेसिकली ये है q माइनस फोर पी आर, पूरा डिस्क्रिमिनेंट है। अब अगर रूट्स लेस देन इमेजिनरी होते हैं तो रूट्स लेस देन जीरो होते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा। सॉरी, अगर रूट्स इमेजिनरी होते हैं ना तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर भी क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। यहाँ पे 19 में बोला हुआ सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सम जो है वो जीरो के बराबर है। 20 में लिखा हुआ है जब बी स्क्वायर माइनस फोर इसी पफर्ड स्क्वायर है तो रूट क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। रूट रियल भी होते हैं, रूट अनइक्वल भी होते हैं, साथ साथ तीसरी बात क्या होती है? रैशनल। यहाँ पे तीसरी बात ही पूछी गई है क्योंकि इरेशनल नहीं होते, इक्वल नहीं होते, तो ऑब्वियसली वो रैशनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है। 21 में आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपको उसकी नेचर निकालनी है रूट्स की। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी निकालते हैं। b है माइनस 7, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो 49 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 49 माइनस 48 1 के बराबर होता है और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो रूट्स रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं और रैशनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे ठीक है। 22 में बोला हुआ है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो तो है लेकिन रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते तो फिर रूट इरेशनल बन जाते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे ठीक है। 23 ये काइंड ऑफ बुक का सवाल है, बल्कि आई गेस बुक का ही है, 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मिल जाएगा। इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 को ओमेगा स्क्वायर से करो, 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 2 से करो 2 ओमेगा, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। इन दोनों टर्म से 2 कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब होता है 1 के बराबर। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 के बराबर होता है, तो माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3 के बराबर। 24 में आपसे बुला हुआ है कि कॉन्जुगेट बताओ ओमेगा का। अब सबसे पहली बात, ओमेगा होता क्या है, क्योंकि कॉन्जुगेट दो टर्म का होता है। अब ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा क्या होता है? माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, तो इसका मतलब ओमेगा का कॉन्जुगेट निकालने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट निकालो। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मैंने अभी बताया था क्या होता है, कि जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन आप चेंज कर देते हो। इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव था, आपने नेगेटिव कर दिया, तो ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होता है? ये पूरी चीज़ होती है। और अगर आपको याद हो तो ये पूरी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओमेगा की वैल्यू लिखो, जब आप उसका कॉन्जुगेट लोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर की, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर में दरमियान में नेगेटिव आता है, ओमेगा में दरमियान में पॉजिटिव आता है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। 25 में बोला हुआ था सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अभी सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात नहीं की जा रही, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जो दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका सम किसके बराबर होता है? माइनस 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। 26 में बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 के बराबर होता है,
याद रखना, जिस नंबर के आपने क्यूब रूट निकाले हैं तो उन क्यूब रूट का प्रोडक्ट भी उस नंबर के बराबर होगा। जैसे वन है ना, वन के तीन क्यूब रूट है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब आएगा और ओमेगा क्यूब वन के बराबर होता है। तो जो नंबर है उसके क्यूब रूट का प्रोडक्ट भी उसी नंबर के बराबर होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे एट होता तो एट के क्यूब रूट होते टू, टू ओमेगा स्क्वायर, और इन सबको मल्टीप्लाई करते रिजल्ट अब भी एट के बराबर होता है। तो जो नंबर है उनके क्यूब रूट का प्रोडक्ट भी उसी के बराबर होगा। ये मॉडल पेपर में भी आया था तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। 27 में पूरी डेफिनेशन आपसे पूछी गई है रेसिप्रोकल इक्वेशन की। रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं कि जैसे ये 3.4 का टॉपिक है, आई गेस 16, 17, 18 इस टाइप की इक्वेशन है जिसमें पावर 4 था, पावर क्यूब, पावर स्क्वायर, तो उनको आप रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हो। क्यों? क्योंकि अगर उसमें जो भी वेरिएबल आ रहा है, अगर x की फॉर्म में इक्वेशन है तो अगर आप x को 1/x से रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन वो होती है कि जिसमें x को आप रिप्लेस करते हो 1/x है, ऑप्शन नंबर सी। 28 में वैल्यू ऑफ ओमेगा पूछी गई है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे ठीक है। 29 में आपसे बोला हुआ है कि अगर एक रूट जीरो है, ये बिल्कुल 3.6 का क्वेश्चन है, 3.6 का क्वेश्चन नंबर 6 या 7 ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि आपके पास एक इक्वेशन है और बोला गया है कि अगर इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो अगर जीरो है तो बताओ h की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको पता चल जाए कि कोई वैल्यू इक्वेशन का रूट है तो आप वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हो। तो यहाँ पे जीरो रूट है तो आप x की जगह जीरो पुट करो, ये भी जीरो हो जाएगा। इधर x की जगह जीरो पुट करो, ये भी जीरो हो जाएगा। पीछे बचेगा -h² + 9, क्योंकि जीरो जो है वो रूट था, दैट्स वाई जब आप जीरो पुट करोगे तो इक्वेशन का रिजल्ट जीरो के बराबर होता है। ये सवाल आपने कहाँ पे किया था? ये मॉडल पेपर का सवाल है। हाँ, मॉडल पेपर में एक सवाल आया था कि 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, चार ऑप्शन थे, तो आपने पहले ऑप्शन में पुट किया था तो पूरी चीज जीरो के बराबर हो रही थी। ठीक है, तो रूट होता ही उस वक्त है जब आप पुट करो तो वो पूरी चीज आपकी जीरो के बराबर हो जाए। तो यहां मैंने पुट किया, जीरो के बराबर रखा। अब आप इसमें से एच की वैल्यू निकाल लो, 9 को उधर लेके जाओ, -9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एच की वैल्यू यहां से आ जाएगी +-3। और 30 में लिखा हुआ हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, इसको आप डिग्री कहते हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये होती है कि जितने वेरिएबल्स आ रहे हैं ना पॉलिनोमियल के अंदर, उसमें जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है, वो जो हाईएस्ट पावर है ना, उसको आप क्या कहते हो? डिग्री कहते हो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप देखो तो उसकी डिग्री 2 होती है, क्योंकि उसमें हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 2 के बराबर होती है। इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री 3 होती है, क्योंकि उसमें हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो 3 होती है। तो जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की उसको आप कहते हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऑप्शन नंबर सी। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहली बात पूछी गई, अच्छा ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक आप लोगों के नहीं है कोर्स का, ये 6.9 का टॉपिक है, 6.9 आपकी कैंसिल हो गई है, लेकिन ये एमसीक्यूज आ चुका था पास पेपर में, इसलिए मैंने पास पेपर के कंपाइल किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने हर पास पेपर के एमसीक्यूज कंपाइल कर दिए, रिड्यूस सिलेबस का मैंने ख्याल नहीं रखा, हुआ मैंने रिड्यूस सिलेबस का ख्याल, लेकिन फिर जो एमसीक्यूज मुझे ज़्यादा नज़र आते थे ना और जो ईजी वाले थे, तो इसलिए मैंने उनको डाल दिया। जैसे प्रोबेबिलिटी के काफ़ी एमसीक्यूज थे लेकिन उनको मैंने हटा दिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी कैंसिल हो गई है। तो जो एमसीक्यूज मुझे लग रहा था ना यार इजी हैं और ये पास पेपर में आ चुके हैं ज़्यादा दफ़ा, तो उनको मैंने डाल दिए, मतलब मिक्स मैंने डाले हैं। तो ये आप लोग कर लो, आपके लिए काफ़ी हैं। ठीक है, ना कोई बहुत मुश्किल मिलेगा, ना कोई बिल्कुल हमने सेलेक्टिव किया हुआ है। बहरहाल, तो एमसीक्यूज नंबर 1 में आपसे रिलेशन पूछा गया है कि अगर ए जी एच जो हैं वो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो ये क्या होते हैं? तो इनके बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। ए, ये कौन सा पेन आ गया, ए जी एच, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इससे रिलेटेड दो पॉइंट पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि अरिथमेटिक मीन जो है ये ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, जो कि ग्रेटर होता है हार्मोनिक मीन से, एक पॉइंट ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि जो जी स्क्वायर है ये बराबर होता है ए एच के। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली वाली बात आधी बात है, लेकिन एमसीक्यूज में ये बात पूछी जाएगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाते। ये 6.9 के टॉपिक हैं जो कि कैंसिल होगी थी। बहरहाल, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे ठीक है। 2 में बोला हुआ है कि अगर ये 3 नंबर जीपी के अंदर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
एमसीक्यू थोड़ा मिस्टेक है इसमें, इसमें वैल्यू ऑफ जी की जगह वैल्यू ऑफ ए आना चाहिए था। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जब मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूँ उसमें मिस्टेक ठीक कर लूँ मैं। तो लिखा हुआ ये है कि एमसीक्यू नंबर टू है 4A16 और आपसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ ए बताओ। तो वैल्यू ऑफ ए कैसे बताओगे आप? सीन ये गिवन है कि ये पूरी जीपी के अंदर है और आपको पता है अगर तीन नंबर जीपी के अंदर हैं तो दरमियान वाला नंबर क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है। दरमियान वाला नंबर ए है वो ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, प्लस माइनस बाकी दो नंबर को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी दो नंबर के दरमियान अगर ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालनी होती है तो आप प्लस माइनस लिखते हो, रूट लिखते हो और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये हो जाएगा भाई √64। √64 होता है 8 के बराबर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8। 3 में आपसे HM का फॉर्मूला पूछा गया। HM का फॉर्मूला होता है 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। अब यहाँ पे PQ लिखा हुआ है तो 2PQ डिवाइडेड बाय P प्लस Q हो जाएगा। ये HM का फॉर्मूला होता है। 6.8 का टॉपिक है, ऑप्शन नंबर सी। अब 4 में आपसे HM निकालने को बोल दिया गया है। HM किसका निकालना है आपको? 2 और 5 का निकालना है। तो फॉर्मूला वही होगा, 2 मल्टीप्लाई AB, मतलब दोनों नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय दोनों नंबर को नीचे ऐड कर दो। किसी भी दो नंबर के दरमियान अगर आपको HM निकालना है तो ऊपर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे आप उन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर दो। 2 5 10 10 2 20, नीचे आ रहा है 7। तो हार्मोनिक मीन इनके दरमियान क्या है? 20/7। 5 में अगेन आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछी गई है 2 और 8 के दरमियान। तो मैंने बताया ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है, आप प्लस माइनस लगाते हो, रूट के अंदर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हो। 2 × 8 = 16 होता है, √16 4 के बराबर होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगी प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर D। 6 का टॉपिक, अगेन ये टॉपिक 6.6 का है जो कि आपकी कैंसिल हो गई है, लेकिन इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये MCQs बहुत दफ़ा आया पास पेपर में, यहाँ तो जस्ट मैंने एक दफ़ा लिखा हुआ है ना, पास पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है। तो जब आपके पास सवाल आए ना कि इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालना है आपने, तो फॉर्मूला होता है a/(1 − r)। ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो अगर आप यहां पे सीरीज देखो, a जो फर्स्ट टर्म है वो 1/2 है। अगर आप यहां पे कॉमन रेशो निकालोगे तो कॉमन रेशो निकालना है, कॉमन रेशो भी 1/2 r है। वो जो कॉमन रेशो निकालते हो ना, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो आप निकालोगे देखना कॉमन रेशो भी 1/2 r है। तो a/(1 − r), a होता है फर्स्ट टर्म, r होती है कॉमन रेशो। इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को सम करने का फॉर्मूला है ये। तो ऊपर 1/2 आएगा, 1 में से अगर 1/2 माइनस करो तो 1/2 ही आता है, कैंसिल होके आंसर 1 के बराबर हो जाएगा। 7 में आपसे बोला हुआ है कि अगर a², b², c², ये तीनों टर्म AP के अंदर है तो आपको पता है दरमियान वाला नंबर क्या होगा? अरिथमेटिक मीन होगा। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जैसे आप एवरेज लेते हो ना वैसे हम करेंगे कि दोनों नंबर को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो दरमियान वाला नंबर अरिथमेटिक मीन, बाकी दो नंबर को आपने ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो वो आ गया ऑप्शन नंबर B। 8 में आपको एक सीक्वेंस दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सीक्वेंस है। 3 9 27 दिखने में लग रही है एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें हर टर्म को आप 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 27, या आप अगर कॉमन रेशो निकालो यहाँ पे तो वो 3 के बराबर ही आ रहा होगा। 9 / 3 = 3 होता है, 27 / 9 = 3 होता है। तो ये एक जीपी है। 9 में आपको बोला हुआ है कि अगर 1 x − 1 और 3 ये AP के अंदर है तो आप निकालो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x। आपको बताया कि अगर ये तीन नंबर AP के अंदर है तो दरमियान वाला नंबर क्या होगा? अभी बताया था अरिथमेटिक मीन होगा। तो दरमियान वाला नंबर x − 1 अरिथमेटिक मीन है। और किन दो नंबर का? इन दो नंबर का। इन दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालो, 1 + 3, मतलब दोनों नंबर को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2। तो 1 + 3 होता है 4, 4 / 2 = 2 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 3 के बराबर आ जाएगी। 10 में आपसे चीज़ पूछी गई है तो याद रखना ये टॉपिक है 6.8 में, मैंने बताया वह बुक में मिल जाएगा आपको, कि अगर a, b, c अगर ये तीन नंबर HP के अंदर हैं तो फिर ये बात सेटिस्फाई होती है। कौन सी वाली बात?
कि ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी बराबर होता है ए अपॉन सी के। ये उस वक्त होता है जब ए बी सी तीनों एच पी के अंदर हैं, और इस रिलेशन को हम कहते भी हैं करेक्टरिस्टिक रिलेशन। ये 6.8 से पहले आपको टॉपिक मिल जाएगा करेक्टरिस्टिक रिलेशन के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, एच पी के अंदर होंगे। 11 में लिखा हुआ है इफ इन अ जी पी ए 3 है आर 2/3 है एस इन्फिनिटी निकालो। ये वही बात है कि इसके सवाल बहुत आते हैं पास पेपर में, इसलिए मैंने डाला हुआ है। ये टॉपिक 6.6 का कैंसिल हो गया, लेकिन फॉर्मूला मैंने एस इन्फिनिटी का बताया हुआ है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ए जो है वो 3 के बराबर है, 1 माइनस आर जो है वो यहाँ पे 2/3 के बराबर है। तो ऊपर 3 आ गया, 1 में से अगर आप 2/3 को निकालो तो 1/3 आता है। ये नीचे वाला 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम टू इन्फिनिटी 9 के बराबर आ जाएगा। अगर ये कैलकुलेशन मुश्किल लगती है तो कोई मसला नहीं है, इस पूरी चीज़ को कैलकुलेटर में डालो, कैलकुलेटर आंसर दे देगा। ये 11 MCQs जो हैं ये पास्ट पेपर में आ चुके हैं अभी तक। इसके बाद जो MCQs हैं 9, वो मैंने अपनी तरफ से डाले हुए। 12 में लिखा हुआ है कि अगर x x+2 और x+3 ये 3 नंबर अगर GP के अंदर हैं तो बताओ वैल्यू ऑफ x क्या होगी। अब कैसे निकालोगे आप अगर इसको, वही जो कॉन्सेप्ट है, 3 नंबर अगर GP के अंदर है तो दरमियान वाला नंबर क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो दरमियान वाला नंबर मतलब x+2 ज्योमेट्रिक मीन है, और किसी भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हो, अभी तरीका बताया था, प्लस माइनस जिन दो नंबर का निकाल रहे हो उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब बेसिकली आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लो, वरना एक्स की वैल्यू निकालना मुश्किल है। स्क्वायरिंग करो, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो रूट जो है वो स्क्वायर से हट जाएगा। जब इस तरफ आप इसका स्क्वायर करोगे ना, प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, लिखो ना लिखो बात एक ही है, और इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, आपके पास जैसे आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, यहाँ पे एक्स को एक्स से करो एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से करो 3x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पे बचा हुआ है 4। इस माइनस को आप शिफ्ट यहाँ पे करवा दो तो एक्स की वैल्यू जो है ये माइनस 4 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे ठीक है। व्हेन 3 टर्म्स आर इन AP देन द मिडिल टर्म, वही बात है कि जब 3 टर्म AP के अंदर है तो मिडिल टर्म अरिथमेटिक मीन हो जाएगी। 14 में लिखा हुआ है सीक्वेंस सेट टू बी डैश सीक्वेंस इफ इट्स इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इस टर्म आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये पूरी डेफिनेशन हार्मोनिक की होती है कि अगर एक नंबर लिखे हुए हैं उनको आप हार्मोनिक के अंदर उस वक्त बोलोगे जब उनका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक के अंदर है, तो हार्मोनिक ऑप्शन नंबर डी। 15 में बोला हुआ है अगर 3 नंबर हम GP में लेट करते हैं तो जनरली हम क्या लेट करते हैं, तो जनरली हम ये लेट करते हैं a, a r, a upon r। 3 नंबर जब भी GP के अंदर होते हैं, टॉपिक आपको 6.7 के अंदर है, कैंसिल हो गया, लेकिन ये 3 नंबर आप लेट कर रहे होते हैं। कुछ जनरलाइज MCQs हैं, अगर चाहो तो कर लो, छोड़ सकते हो आप अगर आपकी मर्जी है, लेकिन ये वो टॉपिक है जो कैंसिल हो चुका है, चाहो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे याद नहीं था ये कैंसिल होने वाला टॉपिक है, काफ़ी मशहूर MCQs है इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसी तरह 3 नंबर जब AP के अंदर होते हैं तो उनको फिर हम ये लेट करते हैं a, a+d, a-d। 3 नंबर AP के अंदर इस तरह लेट करोगे, 3 नंबर GP के अंदर इस तरह लेट करोगे। छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, ये कैंसिल हो चुका है टॉपिक। 16 में आपसे सम का फॉर्मूला पूछा गया है जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते हो। या आप 6.5 देख लो, आपको समझ आ जाएगी, उसे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ऑप्शन नंबर सी, जब r की वैल्यू लेस देन 1 तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फॉर्मूला होता है। 17 में आपसे बोला गया है द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, निकाल लो अगर आप निकालना चाहो, वरना तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये चीज़ अगर आप निकालना चाह रहे हो तो आप इस तरह निकाल लो, 1+2+3+n टर्म्स, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनका सम निकालना है आपने। तो जो फॉर्मूला है ना AP के सम का, क्या फॉर्मूला होता है, n/2(2a+n-1d). तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसमें a जो है 1 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस भी 1 के बराबर है, उस फॉर्मूले को सॉल्व करना, देखना ये पूरा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप कहते हो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ऑप्शन नंबर डी।
18 में लिखा हुआ है ओनली कन्वर्जेंट इन्फिनिट जीपी हैव अ सम। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना एस इन्फिनिटी का, ठीक है, इसमें दो टाइप की होती थी। अगेन ये टॉपिक जो है ये कैंसिल हो गया, मैंने डाल दिया है, छोड़ना चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। अब है तो मैं बता देता हूँ कि जो इन्फिनिटी जा रहा है ये उसी वक्त पॉसिबल है जो कन्वर्जेंट सीरीज होती हैं। जो कन्वर्जेंट सीरीज है उन्हीं का सम पॉसिबल है, जिसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो जो कन्वर्जेंट इन्फिनिट जी पीज है ना उन्हीं का सम पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 8 ही गया यहाँ पे। 19 में आपसे अगेन यही रिलेशन पूछा गया है और इसका नाम पूछा गया है, तो मैंने अभी बताया था 6.8 में मिल जाएगा, ये आपका टॉपिक है। 6.8 से पहले आपको मिल जाएगा कि इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक रिलेशन। और 20 में आपसे सीक्वेंस दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है जीपी है नहीं, देखने में लग रहा है जीपी है लेकिन अगर आपने मजीद तसल्ली करनी है तो आप रेशो निकाल के देख लो, 4:3:9/4। तो आप रेशो निकालो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय पहली टर्म, रेशो 3:4 आ रहा है। इसी तरह आप इन दो का रेशो निकालो, 9:4/3, 3 1 3 3 3 9, तो अभी भी रेशो 3:4 आ रहा है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि तीनों टर्म जो हैं ये जीपी के अंदर हैं। तो इसमें से दो तीन एमसीक्यूज थे जो आपके टॉपिक नहीं है, चाहो तो आप उनको बिल्कुल छोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं रहा जैसे ये वाला टॉपिक था या इन्फिनिटी वाला टॉपिक था, चाहो तो छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप तो याद कर लेते, क्योंकि बड़ी चीज़ मुश्किल चीज़ नहीं, वरना छोड़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप लोगों का टॉपिक कैसा नहीं है, ये बुक में है लेकिन रिड्यूस सिलेबस के अंदर नहीं है। तो आई गेस कितने मिनट, 30 मिनट में हमने चैप्टर नंबर 3 और 6 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 7 के लिए हमारी पाँव में हिम्मत तो नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह शूट करेंगे अभी, ताकि मैक्सिमम काम कवर हो जाए, फिर 8 और ट्रिग्नोमेट्री रह जाएगा। अच्छा, अब चैप्टर 7 में सबसे पहला एमसीक्यूज है, पास पेपर में आ चुका है, हालांकि नहायत ही बच्चों वाली चीज है, कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो 5P3। आपके कैलकुलेटर में बटन है, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है हाउ टू यूज कैलकुलेटर, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह पावर डिस्टेंस आप निकालते हो। बहरहाल कैलकुलेटर में निकाल लेना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं वैसे निकाल लेता हूँ। 5 factorial divided by 5 minus 3, 2 factorial, तो 120 divided by 2, ये बराबर हो जाएगा 60 के। MCQs, अच्छा ये सब पास पेपर्स के MCQs हैं शुरू के। 2 में आपको काम करना है n+1 factorial divided by n-1 factorial। मैंने बताया था जो बड़ा वाला होता है ना उसको आप एक्सपेंड करते हो, तो n प्लस वन फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर सकते हो, n+1 multiply n multiply n-1, यहाँ पे आप रोक दोगे। ये कोई पहली दफ़ा पढ़ रहा है तो उसको शायद बात समझ ना आए, आपको चैप्टर नंबर 7 करना पड़ेगा फिर बात समझ आएगी। लेकिन जो फैक्टोरियल है ना इसको आप नीचे लेके जा सकते हो, तो n+1 लिखो, फिर n+1 में से 1 माइनस करो n आ जाएगा, n में से 1 माइनस करो n-1 आ जाएगा। आप उस वक्त तक करते रहते हो जब तक डिनोमिनेटर आपका नहीं आ रहा, तो n-1 पे डिनोमिनेटर आ गया, दैट्स इट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, n multiply n+1। 3 में आपसे बोला गया है कि वैल्यू निकालो इस चीज की, अब आपको समझना पड़ेगा है क्या। ये आपने टॉपिक पढ़ा था परमुटेशन में, आई गेस केस नंबर 4 था या 3 था, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। ये इसमें था कि जब आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हों लेकिन उसमें से कुछ अलाइक हों, एक जैसी हों, जैसे वर्ड मैथमेटिक्स को अगर आपने अरेंज करना है तो उसमें m दो दफ़ा आ रहा है, a दो दफ़ा आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन रिपीट एक एक दो दो दफ़ा आ रही हैं, वो 2 या 3 दफ़ा आ रही हैं वो, तो उनको लिखने का तरीका ये होता था। इस नोटेशन का मतलब ये है कि 5 ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से 3 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं, ये इसका मतलब है। हम इसको निकालते किस तरीके से थे कि आप ऊपर लिखते थे 5 factorial, नीचे लिखोगे 3 factorial multiply 2 factorial, ये तरीका था लिखने का। बाकी जब आप चैप्टर 7 पढ़ोगे तो आपको बात समझ आ जाएगी मजीद। 5 factorial होता है 120, 3 factorial होता है 6, 2 factorial होता है 2, 6 2 12, 120 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, दैट्स इट। 4 में आपसे बोला गया है कि आप वैल्यू निकालो 13C11 की, अगेन आपके पास कैलकुलेटर है आप आसानी से निकाल सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैं वैसे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा। अब वैसे आप इसको सॉल्व करो, 13 को आप लिख सकते हो 13 × 12 × 11 factorial, ठीक है,
11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होते हैं ना, 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, तो 6 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करो तो 78 आएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है यहाँ पे। 5 में आपसे NCR मतलब कम्बिनेशन का फॉर्मूला पूछा गया है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो पूरा फॉर्मूला होता है कम्बिनेशन का। 6 में आपसे बोला गया है कि आप निकालो n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, अगेन वही बात यहाँ पे बताई थी, जो बड़ी चीज़ है आप उसको छोटी चीज़ में कन्वर्ट करते हो, n प्लस 1 बड़ा है ना, तो आप लिखोगे n प्लस 1, फिर इसमें से 1 माइनस करो n आएगा, फिर आप 1 माइनस करते लेकिन आपके पास डिनोमिनेटर आ गया तो आप यहाँ पे रुकना चाह रहे हो, दैट्स वाई फैक्टोरियल लगा दो। अगर नीचे n माइनस 2 होता तो आप लिखते n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, जो नीचे होता है वहाँ तक आप रुकते हो और जैसे ही रुक जाते हो तो आप एंड पे फैक्टोरियल लगा देते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में चेंजिंग आ जाए, लेट कर लो इस सवाल में n माइनस 2 आ जाए, तो आप यहाँ पे नहीं रुकोगे, इनफैक्ट आप आगे तक जाओगे, आप n माइनस 2 फैक्टोरियल लिखोगे, अब आप इसको इससे कैंसिल करोगे, अब आपका ये पूरा आंसर आ जाएगा। तो जब तक डिनोमिनेटर मैच नहीं हो और आप चलते जाते हो, जैसे ही मैच हो जाता है फौरन वहीं पे आप फैक्टोरियल लगा देते हो। बहरहाल तो आपने n प्लस 1 लिखा, n प्लस 1 में से 1 माइनस करो n आता है, आप रुक जाओ यहीं पे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा n प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी। 7 में आपसे परमुटेशन का फॉर्मूला पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पूरा फॉर्मूला होता है परमुटेशन का। 8 में आपसे बोला हुआ है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स कैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल, ये MCQ जो है ये मॉडल पेपर का भी है, उसमें मैंने 3 केस बताए थे कि पहला केस होता है कि अगर आपने लोगों को रॉ के अंदर अरेंज करना होता है, तो अगर 7 लोग हैं, 7 लोगों को आपने रॉ में अरेंज करना है तो 7 फैक्टोरियल आंसर होगा, अगर आपने उनको रॉ में अरेंज करना है। अगर आपने उन 7 ऑब्जेक्ट्स को टेबल के अराउंड अरेंज करना है तो 7 माइनस 1 मतलब 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, अगर आपने टेबल के अराउंड अरेंज करना है। और अगर उन 7 चीज़ों को आपने नेकलेस या किसी, आप ये समझ लो तस्बीह या आप कह लो ब्रेसलेट, अगर 7 मोती हैं कंसीडर कर लो, उनको आपने ब्रेसलेट के अराउंड अरेंज करना है, तो फिर फॉर्मूला होता है 7 माइनस 1 मतलब जितनी ऑब्जेक्ट है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, जब आपने नेकलेस या किसी भी राउंड शेप के अराउंड अरेंज करना है। ये 3 केसेस होते हैं, जब भी MCQ आता है मैं स्टूडेंट को तीनों केस बताता हूँ कि भाई अगर ये आ गया तो डिफरेंट वाला भी आ सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो टेबल की बात की गई है तो 6 फैक्टोरियल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 9 में एक वर्ड है कमेटी, इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि इसकी कितनी परमोटेशन बन सकती हैं। तो सबसे पहले कितने लेटर्स हैं, 3 3 3, 9 लेटर्स हैं, तो ऊपर लिखो 9 फैक्टोरियल, रिपीट कितने और हैं, एम 2 दफ़ा आ रहा है 2 फैक्टोरियल, टी 2 दफ़ा आ रहा है 2 फैक्टोरियल, ई 2 दफ़ा आ रहा है 2 फैक्टोरियल, और उसको ब्रैकेट की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, एन 2 2 2, ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। 10 में आपके पास लिखा हुआ है कि अगर n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई नहीं करना, उन्होंने बोला है कि अगर n जो है वो 0 के बराबर है तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप पुट कर दो यहाँ पे, n की जगह 0 पुट करो, 0 प्लस 1 मतलब 1 फैक्टोरियल, और नीचे आप n की जगह 0 पुट करो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो इस पूरी चीज़ का आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। 11 में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 पर्सन कैन बी सीटेड इन अ रो, अगेन ये रो वाली बात की गई है, तो 5 लोगों को रो में बिठाने का तरीका क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर बी 120। 11 MCQs जो हैं ये आपके पास पेपर में आ चुके हैं, अब जो बाकी 9 MCQs हैं वो मैंने अपनी तरफ से डाले में। 12 में लिखा हुआ है अ मैन हैज 6 कोट्स 7 शर्ट 8 पेयर ऑफ ट्राउजर इन हाउ मेनी वेज कैन ही मेकअप अ कंप्लीट सूट, भाई 3 चीज़ें हैं, कोट शर्ट पेयर, जाहिर सी बात है तीनों चीज़ें वो एक साथ पहनेगा, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि जब 3 चीज़ें या जितनी भी चीज़ें आप एक साथ कर रहे होते हो तो उनके नंबर ऑफ ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करते हो, तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से 42 आएगा, 42 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो 336 आएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सी में क्यों लिख रहा हूँ, 336 ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 13 में बोला हुआ है हाउ मेनी नेचुरल नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म इफ द गिवन डिजिट्स आर,
ये बुक के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे हैं इसलिए मैंने एमसीक्यूज में डाले हैं। ये आपके पास चार डिजिट हैं और आपको फोर डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है और इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लिखा हुआ है नो डिजिट बीइंग यूज मोर देन वंस इन ईच नंबर, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहली बात आप देखते हो रिस्ट्रिक्शन आपको कहाँ पे है। आपको अगर फोर डिजिट का नंबर बनाना है तो जीरो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। जीरो अगर फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो वो तीन डिजिट का नंबर बन जाएगा। जैसे अगर आपके सामने लिखा हो तो आप इसको 210 पढ़ोगे, मतलब ये तीन डिजिट का नंबर बनेगा। तो उसका मतलब पहली प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, कोई भी तीन नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अब लेट कर लो पहली प्लेस पे मैंने टू पुट कर दिया तो अब टू दोबारा नहीं आ सकता। तो अब मेरे पास दूसरी प्लेस के लिए ये तीन ऑप्शन है, क्योंकि आप दूसरी प्लेस पे जीरो पुट कर सकते हो तो तीन ऑप्शन है, आप तीन लिख दो। लेट कर लो मैंने थ्री पुट कर दिया तो अब इस प्लेस के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, और लेट कर लो मैंने फाइव पुट कर दिया तो इस प्लेस के लिए मेरे पास वन ऑप्शन है। तो थ्री थ्री जार नाइन, नाइन को टू से मल्टीप्लाई करो, 18 ऑप्शन नंबर है। 14 में लिखा हुआ है कि जो वर्ड करेज है इसके कितने वर्ड्स आप बना सकते हो। अब इत्फाक से इस वर्ड के अंदर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो कितने लेटर्स हैं इसके, सात लेटर हैं। तो इसको अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल तरीके हैं। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था इस वर्ड को अरेंज करने के 9 फैक्टोरियल थे, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो फिर आप डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा तो कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 7 फैक्टोरियल आंसर है, 7 फैक्टोरियल 5040 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। 15 में बोला हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। फेवरेट वर्ड है मेरा मैथमेटिक्स। अब इस वर्ड में आपको बताना है इस वर्ड की कितनी अरेंजमेंट बन सकती है। तीन तीन तीन, टोटल 11 लेटर्स हैं तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम दो दफा आ रहा है 2 फैक्टोरियल, ए दो दफा आ रहा है 2 फैक्टोरियल, टी दो दफा आ रहा है 2 फैक्टोरियल, एच एक दफा आ रहा है, ई भी एक दफा आ रहा है, बाकी को रिपीट नहीं हो रहा। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आ रहा होगा। ये पूरी चीज़ आप कैलकुलेटर में डालना, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा ऑप्शन नंबर ए। 16 में लिखा है हाउ मेनी वेज कैन 7 डिफरेंट बुक आर अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इफ अ स्पेसिफिक बुक बी एट द सेंटर। के टोटल आपके पास 7 बुक्स हैं, आपने अरेंज करना है ऑब्वियसली रॉ की फॉर्म में। शेल्फ में आप अरेंज करो तो रॉ की फॉर्म में करोगे, लेकिन एक स्पेसिफिक बुक को आपने सेंटर पे रखना है। तो लेट कर लो 7 डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक थी, जो सिंधी की बुक है वो आपने सेंटर में रखनी है। तो लेट कर लो 7 प्लेसेस है ना, 1 2 3 4 5 6 7, जो सिंधी की बुक है वो आपने दरमियान में प्लेस कर दी। अब बाकी कितनी बुक्स बची, 6 बुक्स। 6 बुक्स को आप इन 6 पोजीशन में कहीं भी रख सकते हो। पहली बुक को इधर रख, टोटल 6 बुक है ना, एक तो आपने फिक्स कर दी है तो बाकी 6 बुक है, किसी भी 6 बुक को आप इस जगह पे रख सकते हो। मतलब यही तरीका होगा ना कि जब आपने एक सेंटर में फिक्स कर दी बाकी 6 बुक बची हैं, तो पहली प्लेस पे आप किसी भी 6 बुक को रख सकते हो। जिस बुक को आपने यहाँ पे रख दिया था अब दोबारा तो कहीं नहीं रख सकते ना, वो तो रख दिया आपने। तो इस प्लेस के लिए 5 बुक बचेंगी, इस प्लेस के लिए 4 बुक बचेंगी, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो इन शॉर्ट बेसिकली ये 6 फैक्टोरियल बन रहा है, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे तो एक बुक आ जाएगी ना, स्पेसिफिक बुक आप यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन नंबर जो, अच्छा इस बुक की पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते तो फिक्स रहेगी, सेंटर में रहेगी। बाकी के चेंज कर सकते हो, तो बाकी उनको अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल तरीके हैं। ऑप्शन नंबर 6 फैक्टोरियल होता है 720, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे ठीक है। 17 में बोला हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स कैन बी फॉर्म इन टू अ नेकलेस। नेकलेस का प्रॉब्लम आ गया। अब ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 ऑब्जेक्ट हैं। तो सॉल्व किस तरह करोगे, 8 - 1 = 7 डिवाइडेड बाई 2। जितने ऑब्जेक्ट होते हैं माइनस 1 करते हो, डिवाइड बाई 2 करते हो। 7 फैक्टोरियल होता है 5040, 5040 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2520। नहीं अगर कैलकुलेशन आ रही तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना। 2520 ऑप्शन नंबर सी ठीक है यहाँ पे। 18 में आपसे बोला हुआ है कि आप फाइंड करो 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5p3, इन तीनों चीज़ को कैलकुलेटर में पुट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। बाय द वे ये होता है 5 के बराबर, ये होता है 20 के बराबर,
ये होता है 60 के बराबर, तो टोटल 85 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी आप कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना। 19 में बोला हुआ है हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन मेड ऑफ फोर लेटर्स ए बी सी डी टेकन थ्री एट अ टाइम। आपके पास चार लेटर हैं और आपने एट अ टाइम थ्री लेना है, तो परमुटेशन से भी कर सकते हो, चार लेटर एट अ टाइम तीन पिक करने, तो 4p3। 4p3 को जब आप सॉल्व करोगे आपके पास 4 फैक्टोरियल आएगा, मतलब 24। और वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चार ऑब्जेक्ट हैं आपने तीन लेने एक साथ, तो पहली प्लेस में आप कोई भी चार रख सकते हो, दूसरी प्लेस पे कोई भी तीन रख सकते हो, तीसरी प्लेस पे कोई भी दो रख सकते हो, मल्टीप्लाई करो अभी भी 24 आ रहा होगा। तो दोनों तरीके से परमुटेशन और नॉर्मल तरीके से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। और 20 में लिखा हुआ है हाउ मेनी वेज कैन अ टीचर अरेंज 4 out of 8 चिल्ड्रन इन अ रॉ। सिंपल रॉ का प्रॉब्लम है, मतलब परमुटेशन से कर सकते हो। आपके पास 8 चिल्ड्रन हैं, उसमें से आपको एट अ टाइम 4 को अरेंज करना है, तो 8p4, पता नहीं 8p4 का आंसर क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना। वैसे अगर आप वो डैश डैश बना के भी कर सकते हो इस तरह, उसमें क्या हो जाएगा कि भाई चार आपने अरेंज करने, पहली प्लेस पे कोई भी 8 रख सकते हो, दूसरी प्लेस पे कोई भी 7, तीसरी प्लेस पे कोई भी 6 और चौथी प्लेस पे कोई भी 5। इन सबको मल्टीप्लाई करना, कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। मैं आंसर देख लेता हूँ 20 का, ये हाँ 1680 आ रहा होगा आपके पास। तो जो चैप्टर नंबर 7 अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके MCQs भी कर लिए हैं, अगर अल्लाह हिम्मत दे तो चैप्टर 8 भी हम अभी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं अभी। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। अच्छा, मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ शायद हुई हो बीच में यार, थोड़ा बर्दाश्त करने का ज़्यादा मसला हो तो आप लोग वो स्पीड थोड़ी स्लो कर लेना, स्लो करने का ऑप्शन होता है। बहरहाल चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहला MCQs है द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो पावर है वो है 2n। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर पावर इवन हो तो एक मिडल टर्म आती है। 2n एक इवन नंबर है, क्योंकि अगर आप n की जगह 1 पुट करो 2 आएगा, n की जगह 2 पुट करो 4 आएगा, n की जगह 3 पुट करो 6 आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास इवन नंबर्स आ रहे होंगे। तो 2n एक इवन पावर है, जब इवन पावर होती है तो एक मिडल टर्म आती है। और उसका जनरल फॉर्मूला क्या था, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, वेयर n था पावर। अब यहाँ पे पावर क्या है 2n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। इन शॉर्ट इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब पावर इवन है तो पावर के अंदर 2 ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। पावर के अंदर मैंने 2 ऐड किया, डिवाइड बाई 2। अब न्यूमरेटर में से आप 2 कॉमन लो, n प्लस 1 आएगा, नीचे वाले 2 से कैंसिल कर दो, इसका मतलब जो मिडल टर्म है वो n प्लस 1 टर्म है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद 2 में लिखा हुआ था नंबर ऑफ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर आप देखो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में पावर जो है वो 9 है, तो जब पावर 9 होती है तो एक ज्यादा मिडल टर्म है, जो भी पावर है उससे एक ज्यादा मिडल टर्म, सॉरी जो भी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म आती है। जैसे मशहूर जमाना फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो पावर स्क्वायर है लेकिन टर्म कितनी आती है, 3 टर्म आ रही होती है। तो जो पावर है उससे एक ज्यादा टर्म आती है, यहाँ पे पावर 9 है तो इसका मतलब 10 टर्म आएंगी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी ठीक है यहाँ पे। उसके बाद एक पूरी आपके पास सीरीज गिवन है 1 + 2x + 3x² + 4x³। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है 1 - x की पावर -2, ये पूरा फॉर्मूला। ये चार आपको सीरीज याद होनी चाहिए, कौन कौन सी, एक तो ये वाली 1 - x की पावर -2 ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कर दूं कि अंदर पॉजिटिव आ जाए ऊपर तो नेगेटिव ही रहेगा ऑब्वियसली, मतलब यहाँ पे दोनों साइन सेम हो जाए तो इन सबके साथ पॉजिटिव आता है, अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाए तो अब ऑल्टरनेट साइन आते हैं। ये MCQs बाद में भी आएंगे इसलिए मैं अभी से क्लियर कर रहा हूँ। ऑल्टरनेट आपके पास आ रहे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, कब, जब यहाँ वाला साइन और यहाँ वाला साइन मैच ना करें। उसके बाद दो और भी होती हैं कि 1 - x की पावर -1, इसका आंसर होता है 1 + x + x² + x³। चलता जाता है कि जब दोनों का साइन मैच कर गया सबके साथ पॉजिटिव है, और जब अंदर पॉजिटिव आ जाए और ऊपर तो नेगेटिव है, साइन डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेट साइन आ जाते हैं। तो ये बात मैंने अभी से क्लियर कर दी है, बाद में इसमें से कोई भी आएगा मैं रेफरेंस दे दूंगा। तो यहाँ पे बहरहाल ये चीज़ पूछी गई थी, ये इसके बराबर होती है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहाँ पे।
फोर में आपसे एन क्यूब का फॉर्मूला पूछा गया है। तीन टाइप की सीरीज आपको याद होनी चाहिए। एक होती है सिग्मा एन, उसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एक सीरीज होती है सिग्मा एन स्क्वायर की, उसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। और एक सीरीज होती है एन क्यूब की, उसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। जो एन वाली होती है एग्जैक्ट वही फॉर्मूला होता है, बस आप यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देते हो। तो यही चीज़ पूछी गई थी एन क्यूब की। जब आप स्क्वायर को ओपन करोगे तो स्क्वायर एन के ऊपर आएगा एन स्क्वायर, और ये स्क्वायर एन प्लस वन के ऊपर भी आ जाएगा, और नीचे टू का स्क्वायर फोर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहाँ पे। फाइव में आपसे मिडिल टर्म पूछी गई है। पावर जो है 20 एक इवन नंबर है, तो मैंने बताया जब बाइनोमियल में पावर इवन होती है तो ए की मिडिल टर्म आती है। कैसे निकालोगे? पावर के अंदर 2 ऐड करो 22 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो 11 हो जाएगा, तो 11 जो है वो इसकी मिडिल टर्म है। सिक्स में आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछी गई है, बहुत बच्चों वाला सवाल है। नंबर ऑफ टर्म क्या होती है? जो पावर है उससे एक ज्यादा। तो पावर यहाँ पे एन है, तो एन से एक ज्यादा क्या होगा? एन प्लस वन। तो इसके अंदर एन प्लस वन टर्म होंगे। ऑप्शन नंबर सेवन, मुझे हैरत हुई थी कि पास्ट पेपर में कैसे ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल ये दे देते हैं। नॉर्मली आते नहीं है इतने, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल आया बता। यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है वो एन की पावर जीरो है, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो आंसर वन आता है। इन शॉर्ट उन्होंने यहाँ पे वन लिखा हुआ है। तो जब आपके पास यहाँ पे कोई एन नहीं आ रहा तो आप ये वैल्यूज पुट कैसे करोगे? सिग्मा नोटेशन में जब कुछ एन या कुछ होता था तो आप वैल्यूज पुट करते थे। अब यहाँ पे वन आ रहा है, तो सिग्मा में ये रूल होता है कि जब आपके पास कोई कॉन्स्टेंट आ जाए यहाँ पे, तो अब आप क्या करोगे? हर दफा आप वन लिख रहे होगे। कहने का मतलब जब आप इस वन के अंदर थ्री पुट करोगे, अब इस बात की तो सेंस ही नहीं बनती वन के अंदर मैं थ्री कैसे पुट करूंगा, लेकिन एज्यूम कर लो कि यहां पे अगर एन की पावर जीरो है तो जब आप एन की जगह थ्री पुट करोगे तो ये हो जाएगा थ्री की पावर जीरो, एन की जगह फोर पुट करोगे फोर की पावर जीरो, एन की जगह फाइव पुट करोगे फाइव की पावर जीरो, और ये सब आपस में ऐड हो रही होंगी। अप टू कहां तक जाना है आपने? 20 पुट करोगे 20 की पावर जीरो। कहने का मतलब सब का आंसर वन वन है, वन प्लस वन प्लस वन, अप टू कहां तक जाना है? 20 की पावर जीरो वन तक जाना है। तो अगर आप ये मालूम कर लो कि वन को कितनी दफा आप ऐड कर रहे हो, 18 दफा ऐड कर रहे हो। थ्री से स्टार्ट किया ना, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन पंद्रह एटीन नाइनटीन ट्वेंटी 18। तो आप इस वन को 18 दफा ऐड कर रहे हो, वन को 18 दफा ऐड करोगे तो 18 आएगा। इतना ही तरीका है। तो जब कांस्टेंट होता है आप इस तरह भी समझ सकते हो, जिस तरह मैंने बताया थ्री की पावर जीरो फोर की पावर जीरो, या वैसे भी आप समझ सकते हो कि जब यहाँ पे अगर वन आ गया तो जितनी दफ़ा ये एन की वैल्यूज है ना उतनी दफ़ा आप वन को ऐड कर देते हो। दोनों तरीके से आपके पास आंसर 18 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एट में आपसे एग्जैक्ट ये चीज़ पूछी गई है, फॉर्मूला मैंने बता दिया एन एन प्लस वन अपॉन टू, ऑप्शन नंबर सी। नाइन में एग्जैक्ट ये चीज़ पूछी गई है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर डी ठीक है यहाँ पे। टेन में एन क्यूब पूछा गया, लेकिन एन क्यूब अब रेंडम फॉर्मूला नहीं पूछा गया, अब आपसे पूछा गया वन से लेके थ्री तक। बाय द वे ये पूरी चीज़ आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। कैसे? मैंने आपको चैप्टर नंबर एट में बताया हुआ कि सिग्मा को कैलकुलेटर से कैसे निकालना है। आप सबसे पहले बटन दबाओगे सिग्मा का, शिफ्ट दबा के आप ये पता नहीं लॉक का बटन है, हाँ लॉक का बटन है, ये दबाओगे तो सिग्मा आ जाएगा। आप अल्फा दबा के एक्स लिखना, उसका क्यूब कर देना ठीक है। उसके बाद लोअर वैल्यू है वन, अपर वैल्यू है थ्री, तो इसका आंसर 36 आ जाएगा। इस तरह भी आप समझ सकते हो, या अगर आपने एक और तरीके से समझना है इसको, तो वैसे भी आप पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, इजी तरीका है। फॉर्मूले में पुट करने से बेहतर है, मतलब फॉर्मूले में अगर आप डायरेक्ट थ्री पुट कर दो इसमें तब भी आपके पास आंसर आ रहा है। थ्री का स्क्वायर नाइन, थ्री प्लस वन फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फोर, फोर वन ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, तभी नाइन इंटू फोर 36 आ रहा है। ये दूसरा मेथड हो गया। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हो कि आपने इस फॉर्मूले में डायरेक्ट थ्री पुट कर दिया। एक तीसरा मेथड भी है कि आप नॉर्मल पुट करके देख लो। सबसे पहले वन पुट करो वन का क्यूब, प्लस टू पुट करो टू का क्यूब, कहाँ तक पुट करना है? थ्री तक ना, तो प्लस थ्री का क्यूब। तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा एट, ये हो जाएगा 27। अभी भी ऐड करोगे तो उसका आंसर 36 होगा। तीन तरीके मैंने बता दिए, जो पसंद आए वो आप कर लो। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन जो है ये पास्ट पेपर के थे वो हो गए। 11 पे आ जाओ।
11 में आपसे जनरल टर्म का फॉर्मूला पूछा गया बाइनोमियल में, तो बड़ा मशहूर जमाना फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर डी. हाँ, 12 में आपसे ये चीज पूछी गई है, तो ये किसके बराबर होती है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए. 13 में आपसे ये चीज पूछी गई है, ये बराबर होता है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी. अच्छा जी, 14 में आपसे बोला हुआ है इन द बाइनोमियल द कोएफिशिएंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड. बाइनोमियल में पहली टर्म का कोएफिशिएंट बराबर होता है आखिरी टर्म के, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट बराबर होता है सेकंड लास्ट टर्म के, तो स्टार्टिंग और एंडिंग के कोएफिशिएंट बाइनोमियल के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए. फिर बाइनोमियल में ये चीज भी आपने देखी होगी कि अगर बाइनोमियल के कोएफिशिएंट को आप ऐड करो, इन सबको आप कहते हो बाइनोमियल के कोएफिशिएंट अप टू एन सी एन तक, अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो रिजल्ट आपको पता है 2 की पावर एन होता है. जब भी आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ऐड करोगे रिजल्ट होगा 2 की पावर एन. एक और एमसीक्यूज भी आते हैं, सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट. ऑड कोएफिशिएंट मतलब पहला वाला कोएफिशिएंट, तीसरा वाला कोएफिशिएंट, पांचवा वाला कोएफिशिएंट, तो सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट है उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन माइनस 1. क्या अगर इसमें से ऑड कोएफिशिएंट जो है उनको आपस में ऐड करो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर एन माइनस 1 होता है. इसी तरह जो सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट है, मतलब जो इवन पोजीशन पे आए मैं, सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, इनके भी सम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर एन माइनस 1 होता है. बुक में तो शायद ये वाला गिवन है, ये वाला शायद नहीं गिवन, ये यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू है एनडी के पास पेपर का, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि बाइनोमियल के कोएफिशिएंट का सम 2 की पावर एन, जो ऑड पोजीशन पे आ रहे हैं या जो इवन पोजीशन पे आ रहे हैं उनका सम क्या होगा, 2 की पावर एन माइनस 1. 16 में आपसे कॉम्बिनेशन का बहुत ही मशहूर फॉर्मूला पूछा गया है, अगर आपको याद हो एनसीआर को अगर आप ऐड करोगे एनसीआर माइनस 1 पे तो इसका आंसर होगा, दोनों पावर सेम होनी चाहिए, आंसर में होगा एन प्लस 1, नीचे एक पावर बड़ी होनी चाहिए दूसरी पावर कम होनी चाहिए. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे मतलब दोनों को ऐड करोगे जो बड़ी पावर है वो आप लिखोगे, तो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 बराबर होता है एन प्लस 1 सीआर. ये मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में भी डिटेल में बताई हुई चीजें, ये सॉल्व भी की हुई चैप्टर नंबर 8.3 में सब काम किया हुआ हमने. ये 17 में बोला हुआ एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है ए प्लस बी की पावर 16, इन एवरी टर्म द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ए बी. तो याद रखो बेसिक बात स्टार्ट करते हैं, अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे हर टर्म में a और b की पावर 2 ही होंगी, जैसे यहाँ पे देखो a की पावर 2 है, अगर आप इस टर्म को देखो तो a की पावर 1 b की पावर 1 ऐड करो अभी भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी पावर 2 है, मतलब a लिखा हो खाली या खाली b लिखा हो या खाली ab लिखा हो, जब भी आप इनकी पावर्स को ऐड करोगे हमेशा आपके पास 2 आ रहा होगा, मतलब जो बाइनोमियल में यहाँ पे पावर है ना इनके जब एक्सपेंड करोगे तो इनमें भी, या तो अगर अकेला लिखा हुआ है तो वो स्क्वायर होगा, अगर साथ लिखा हुआ है तो दोनों को ऐड करोगे तब भी वो 2 आ रहा होगा. तो जो बाइनोमियल की पावर है वही पावर ए और बी की सम करके आएगी आपके पास. तो इस एक्सपेंशन में पावर बाइनोमियल की 16 है, तो इसका मतलब इसमें जो सारी टर्म होंगी उनमें भी क्या पावर होगी, 16 होगी, ऑप्शन नंबर डी. 18 ये काइंड ऑफ 8.1 का क्वेश्चन है, उन्होंने बोला हुआ है कि 2 की पावर n जो है फॉर n ग्रेटर देन 3. अच्छा, उन्होंने बोला हुआ है कि अगर n मैं 3 से ग्रेटर पुट करूं तो बताओ 2 की पावर n क्या होगा. ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ग्रेटर देन 2n प्लस 1 होगा, ठीक है, मतलब सवाल ये है कि अगर n मैं 3 से ग्रेटर पुट करूं तो बताओ 2 की पावर n क्या होगा. पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ग्रेटर होगा 2n प्लस 1 से, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है लेस होगा 2 की पावर n से, ये सब चीजें लिखी हुई हैं. तो आप ऑप्शन को चेक करते जाओ, जो ऑप्शन ठीक है वो आपका ठीक हो जाएगा. अब जरा मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूं, ऑप्शन ए में था कि 2 की पावर n ग्रेटर होगा 2n प्लस 1 से, चेक करके देख लेते हैं. एन की वैल्यू 3 से ग्रेटर लेट कर लो 4 पिक कर लेते हैं, आप यहां पर 4 पुट करो, आप यहां पर भी 4 पुट करो, 2 की पावर 4 16, 4 प्लस 1 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, डेफिनेटली 16 ग्रेटर देन 10 होता है. तसल्ली के लिए आप कोई और वैल्यू पुट करके देख लो, लेकिन आपको दिखने में लग रहा है जब आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो आंसर बढ़ता जाएगा. लेट कर लो अगर आप यहाँ पे 5 पुट करोगे 2 की पावर 5, और यहाँ पे 5 पुट करो 5 प्लस 1, तो 2 की पावर 5 32, ये हो जाएगा 6, 6 2 12. तो अब तो देखो कितने वाजह फर्क नजर आ रहा है,
32 इज़ ग्रेटर देन 12. मेरी एडियो में दर्द हो रहा है इसलिए मैं ये वाइब्रेशन मोड में हूँ. तो बूढ़ा नहीं हुआ, ठीक है, सुबह से वीडियोस बना रहा हूँ, कभी किसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, कभी ये काम चल रहा है फालतू सा नहीं, काम तो खैर बड़ा नेकी वाला है. तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो पहला ऑप्शन है वही ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. ऑप्शन में लिखा था 2 की पावर n और a में लिखा हुआ था कि इज ग्रेटर देन 2n प्लस 1, और वाकई 2 की पावर n ग्रेटर होती है इससे. तो जैसे ही आपको पता चला कि ऑप्शन नंबर a ठीक है, दैट्स इट, आपको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में कहीं बोथ का ऑप्शन नहीं है. तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है. 19 में अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो मैंने बताया था कि जो एन सी आर है ये किसके बराबर होता है, एन सी इन दोनों को माइनस कर दो, एन माइनस आर. अगर ये बात आपको याद हो, कम्बिनेशन में चीज़ फॉलो होती है. जैसे अगर आपके पास लिखा हो 5C1 तो ये किसके बराबर होगा, 5C5-1 4. तो आप बेशक कैलकुलेटर में निकाल लेना, 5C1 5C4 दोनों का आंसर देखना 5 ही आ रहा होगा, ठीक है. तो ये चीज़ फॉलो हो रही होती है. अब सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एन सी आर बराबर है एन सी एक्स के, और वो आपसे पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स बताओ. तो आपको दिखने में लग रही है वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, एन माइनस आर होगी. एन सी आर बराबर होगा एन सी एन माइनस आर के. एन माइनस आर की जगह पे एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, एन माइनस आर है, ऑप्शन नंबर सी. और 20 में लिखा हुआ है मिडिल टर्म क्या है. भाई देखो पावर इसकी 19 है, पावर ऑड है, तो जब पावर ऑड होती है तो दो मिडिल टर्म आती हैं. निकालने का तरीका क्या होता है, पहली मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, पावर में 1 ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, और दूसरी मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, पावर में 3 ऐड करो, 2 से डिवाइड करो. 19 + 1 = 20, 20 / 2 ये होता है 10 के बराबर. 19 + 3 = 22, 22 को 2 से डिवाइड करो, ये होता है 11 के बराबर. तो 10th एंड 11th टर्म जो है वो मिडिल टर्म है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री हमारी रहेगी है, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 60 MCQs हैं, कोई बात नहीं ये भी निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रेस बनता है. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन स्टार्ट करते हैं, आखिरी पोर्शन है हमारा फर्स्ट ईयर का. अच्छा देखो इसमें सीन ये है कि चैप्टर वाइज मैंने अरेंज नहीं किया क्योंकि मिक्स होते हैं और चैप्टर 11 के काफ़ी कम आते हैं जो भी है, तो मैंने एक साथ ही सबके अरेंज किए हैं. तो इसके शुरू के 30-35 MCQs सब पास पेपर्स के, तो उनकी तो आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है. उसके बाद जो है तकरीबन 20-25 वो मैंने अपनी तरफ से डाले हैं, टोटल 60 MCQs हैं इसके पूरे 5 चैप्टर्स के. स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 के सवाल है, 330 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो जब भी किसी एंगल को आपने कन्वर्ट करना होता है रेडियन के अंदर, तो आप करते क्या हो कि आप मल्टीप्लाई करते हो पाए बाय 180 से. उसको मल्टीप्लाई करो पाए बाय 180 से, 30 6 180 30 11 330, तो ये हो जाएगा 11 π/6. नहीं कैलकुलेशन आती तो कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेना, 11 π/6, ऑप्शन नंबर सी. 2 में लिखा हुआ है कि 1/1 + tangent² देखो 1 + tangent² बराबर होता है sec स्क्वायर के, और 1/sec² बराबर होता है cos स्क्वायर के, ऑप्शन नंबर बी ठीक है. यहाँ पे 3 में लिखा हुआ है टेंजेंट का पीरियड. अच्छा चैप्टर नंबर 11 मुझे याद आया कैंसिल हो गया आप लोगों का, लेकिन उसका एक सवाल बड़ा मशहूर है, एक MCQs बहुत ही मशहूर है, हर दफ़ा वही आता है कि आपसे पीरियड निकालने को बोलते हैं. तो ज़रा मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बहुत ईजी है, याद कर लो कि कोसेक, मैं थीटा नहीं लिख रहा अभी, बस वैसे ही समझा रहा हूँ आपको, सेक, ये जो चार फंक्शन हैं इनका पीरियड जो है वो होता है 2π, ये पीरियड होता है. भूल जाओ कॉन्सेप्ट क्या है पीरियड का, बस ये समझ लो पीरियड 2π होता है, क्योंकि टॉपिक कैंसिल हो गया. अगर MCQs आ गया तो आपके मार्क्स निकल जाएंगे, कोई पता नहीं होता ना बोर्ड वालों का. तो ये MCQs काफ़ी आता है 11, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिए. और जो टेंजेंट है और जो कॉट है इसका पीरियड जो है इसका पीरियड पाई होता है, दैट्स इट. तो सवाल में आपसे पूछा गया टेंजेंट का पीरियड बताओ, तो टेंजेंट का पीरियड पाई, ऑप्शन नंबर डी. 4 में आपसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन मेजर ऑफ टू साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन. आपको बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताना है. ये जो अगर आप देखो ना, जिस टाइप के एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले के 3 केसेस हैं, ये उनमें से एक केस है कि जब दो साइड एक एंगल गिवन हो. तो आपने सब देखे कौन से ऑप्शन ठीक है.
آپشن نمبر اے جو ہے وہ یہاں پہ ٹھیک ہے. جب پہلے ہی ٹھیک ہے تو باقی کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی بوتھ کا آپشن تو موجود نہیں ہے. تو 1/2 AB سائن گیما جو ہے نا وہ فارمولا ہوتا ہے ایریا آف ٹرائنگل کا. باقی میں کچھ نہ کچھ مسٹیک ہوگی, دیکھ لینا آپ لوگ. آپشن نمبر اے جو ہے وہ یہاں پہ ٹھیک ہے. 5 میں اینگل ہے پائے بائی 90, اس کو کنورٹ کرنا ہے ڈگری کے اندر. تو ڈگری سے سوری ریڈین سے جب آپ ڈگری میں جاتے ہو تو 180/π سے ملٹی پلائی کرتے ہو, پائے سے پائے کینسل, 180/90 ہو جائے گا 2 degree. آپشن نمبر ڈی ٹھیک ہے. یہاں پہ ایریا آف سرکل کا فارمولا ہوتا ہے پائے آر اسکوائر. آپشن نمبر سی ٹھیک ہے. آپ کو ٹرائنگل کے دو سائڈ دیے ہیں اور آپ سے بولا گیا ہے کہ ایس نکالو. ایس ہوتا ہے سیمی پیری میٹر اور ایس کا فارمولا ہوتا ہے تینوں سائڈ کو ایڈ کرو ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر دو. تو یہاں پہ ایک سائڈ ہے 2, دوسری ہے 3, تیسری ہے 5, یہ ہو جائے گا 10 ڈیوائڈیڈ بائی 2 5 کے برابر. تو سیمی پیری میٹر 5 کے برابر ہے. آپشن نمبر سی. 8 میں لکھا ہوا ہے ایریا آف ٹرائنگل. ٹرائنگل کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اے بی سی کی تین سائڈ ہیں اے بی سی. پھر بولا ہوا ہے کہ ان ریڈیس جو اسمال آر ہے اس کا فارمولا بتاؤ. اب اگین یہ ٹاپک پاس پیپر میں ہے لیکن یہ آپ کی بک میں نہیں ہے, کینسل کر دیا گیا ہے. ویسے تو بک میں موجود ہے 12.5 میں, لیکن یہ ایم سی کیوز بہت آتے تھے اس لیے میں نے آپ لوگوں کو ٹاپک لکھوا دیا. ایک تو یہ دو چیزیں ہیں, ان کو یاد کر لو اگر چاہتے ہو تو یاد کر لو, ورنہ آبویسلی ٹاپک کینسل ہو گیا, چانسز تو نہیں ہے اتنا دیں گے وہ, لیکن اگر چاہو تو یاد کر لو ان کو. اور دوسرا ٹاپک ہے یہ 5 فارمولے ہیں جن میں سے کافی ایزی فارمولے, یاد کر سکو تو کر لینا. کہ کیپیٹل آر جو ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے اے بی سی اپون 4 ڈیلٹا, اسمال آر کا فارمولا ہوتا ہے ڈیلٹا اپون ایس. یہ اسمال آر کا فارمولا ڈیلٹا اپون ایس. اسی طرح آر 1 کا فارمولا ہوتا ہے ڈیلٹا اپون ایس مائنس اے, آر 2 کا فارمولا ہوتا ہے ڈیلٹا اپون ایس مائنس بی, آر 3 کا فارمولا ہوتا ہے ڈیلٹا اپون ایس مائنس سی. تو یہ تین فارمولے تو یاد رکھنا بہت ہی ایزی ہیں, ایس مائنس اے, ایس مائنس بی, ایس مائنس سی, اور یہ دو فارمولے ہیں کیپیٹل آر اسمال آر. تو اگر آپ ان کو یاد کر لو گے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں یاد کر لو تو آبویسلی ٹاپک کینسل ہو گئے. میں آپ لوگوں کو نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ زبردستی کرو, لیکن اگر میں اپنی بات کرتا تو سیفٹی سائڈ پہ میں کر لیتا ان کو. بہرحال تو یہاں پہ اسمال آر کا پوچھا گیا, اسمال آر کا فارمولا ڈیلٹا اپون ایس. 9 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اینگل بیٹا اسٹینڈرڈ پوزیشن میں, یہ سوال ماڈل پیپر کا بھی تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بیٹا اسٹینڈرڈ پوزیشن میں ہے تو آپ کا کوسائن لا بی اسکوائر کی فارم میں آئے گا. تو بی اسکوائر کی فارم میں فارمولا کیا ہوتا ہے, بی اسکوائر اکول ٹو اے اسکوائر پلس سی اسکوائر مائنس 2AC کوس بیٹا. اگر یہاں الفا اسٹینڈرڈ پوزیشن پہ ہوتا تو پھر اے اسکوائر کی فارم میں آتا, اگر گیما اسٹینڈرڈ پوزیشن پہ ہوتا تو پھر گیما کی فارم میں آتا. 10 میں لکھا ہوا ہے کہ ٹینجنٹ تھیٹا مائنس 1/3 ہے, سائن تھیٹا نیگیٹو ہے, بتاؤ کس کوارڈنٹ کے اندر اینگل ہے. تو ذرا آپ لوگ غور کرو کہ یہاں پہ ٹینجنٹ جو ہے وہ بھی نیگیٹو ہے, ٹینجنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہے, اور اگر آپ سائن دیکھو سائن تھیٹا کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ بھی نیگیٹو ہے. تو ایسا کون سا کوارڈنٹ ہے جہاں پہ سائن اور ٹینجنٹ دونوں نیگیٹو ہے؟ تو یہ کوارڈنٹ کی بات کی جا رہی ہے فورتھ کوارڈنٹ کی. فورتھ کوارڈنٹ میں صرف کاس پازیٹیو ہوتا ہے, باقی سائن اور ٹینجنٹ نیگیٹو ہوتے ہیں. تو آپشن نمبر ڈی ٹھیک ہے. 11 پہ آ جاؤ, یہ چیپٹر نمبر 10 کا ٹاپک ہے. میں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر کوارڈ کے اندر نیگیٹو اینگل آتا ہے تو یہ نیگیٹو باہر آ جاتا ہے. سائن, ٹینجنٹ, کوارڈ, کوسیک, اس کے اندر اگر اینگل نیگیٹو آتا ہے تو وہ نیگیٹو باہر آ جائے گا, جبکہ کاس اور سیک اس کے اندر جب اندر نیگیٹو اینگل کے ساتھ آتا ہے نا تو اس نیگیٹو کو آپ اگنور کر دیتے ہو. اگر یہ کاس مائنس تھیٹا ہوتا تو یہ کاس تھیٹا کے برابر ہوتا, نیگیٹو کو اگنور کر دیتے آپ. 12 بی چیپٹر 10 کا کوشچن ہے, آپ کو ڈسٹینس نکالنا ہے دو پوائنٹ کے درمیان. تو یہاں پہ یوز کرو گے ڈسٹینس فارمولا. ڈسٹینس فارمولا چیپٹر نمبر 10 میں کیا پڑھا ہے آپ نے, ایکس 1 مائنس ایکس 2 کا ہول اسکوائر پلس وائی 1 مائنس وائی 2 کا ہول اسکوائر. اس کی ڈیریویشن بھی ہے پیپر کے لیے, میں نے وہ بھی آپ لوگوں کو کروائی ہوئی ہے. تو اس کو ذرا سالو کرتے ہیں. ایکس 1 کیا ہے, مطلب یہ دو پوائنٹ ہے نا 1, 1, 4, 5, تو یہ ہے ایکس 1, یہ ہے ایکس 2, اسی طرح یہ ہے وائی 1, یہ ہے وائی 2. تو ایکس 1 1 ہے مائنس ایکس 2 4 ہے ہول اسکوائر پلس وائی 1 1 ہے وائی 2 5 ہے 1 مائنس 5 کا ہول اسکوائر. 1 مائنس 4 مائنس 3, مائنس 3 کا اسکوائر 9 ہوتا ہے.
1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है. 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5 के बराबर होता है. ऑप्शन नंबर डी. 13 में एंगल रेडियन के अंदर गिवन है, उसको आपने डिग्री के अंदर चेंज करना है. तो 2 पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई से. पाई से पाई कैंसिल, 3 वन जा 3, 3 सिक्सटी जा 180, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो 120. नहीं कैलकुलेशन आती तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो. तो 120 डिग्री ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन है. 14 में आपसे कॉस यू प्लस कॉस वी का फॉर्मूला पूछा गया है. तो ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2. ऑप्शन नंबर अल्लाह भला करे सी. 15 में अगेन ये टॉपिक कैंसिल हो गया. कैपिटल आर सर्कम रेडियस कहते हैं इसको. इसका फॉर्मूला पूछा गया है. इसका फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा. ऑप्शन नंबर बी. 16 में आपसे तीनों साइड की लेंथ गिवन है और आपसे 2s मांगा गया है. देखो s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये s होता है. 2s क्या होगा, आप इस 2 को आके जाके मल्टीप्लाई कर दो. तो 2s क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी. सिंपल तीनों साइड को ऐड करो, आपके पास 2s आ जाएगा. तो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15. तो यहां पे 2s क्या हो जाएगा, 15 के बराबर. ऑप्शन नंबर बी. 17 में बोला हुआ है cos थीटा लेस देन 0 है, मतलब cos नेगेटिव है. अच्छा, फिर लिखा हुआ है sin थीटा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब sin पॉजिटिव है. तो ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है, ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है. अगर आपको पता हो सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव बाकी नेगेटिव होते हैं, मतलब cos नेगेटिव है ना. cos नेगेटिव दो ही क्वाड्रेंट में होता है, या तो थर्ड में होता है या सेकंड में होता है. सेकंड थर्ड में तो साइन भी नेगेटिव होता है, जबकि साइन यहां पे पॉजिटिव है. इसका मतलब बात की जा रही है सेकंड क्वाड्रेंट की. ऑप्शन नंबर बी. 18 में आपसे बोला गया है कि टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा. तो टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. इसको मल्टीप्लाई करो इस कॉस से, कॉस से कॉस कैंसिल. आंसर जो है वो साइन थीटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. 19 में बोला हुआ है टेंजेंट 180 माइनस थीटा. चैप्टर नंबर 10 में ये टॉपिक मैंने आप लोगों को कवर करवाया हुआ है. अगर ये टॉपिक जो मैं बताने लगा हूँ ये ना समझ आए तो इस पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का. चैप्टर 10 में पढ़ा हुआ है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा के भी आप इसको कर सकते हो. इसका शॉर्टर वर्जन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर 180 डिग्री है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेंजेंट है तो आंसर में टेंजेंट आ जाएगा. जो यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा. 180 में से कुछ भी एंगल 180 यहाँ पे होता है, 180 में से माइनस करोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो उसके साथ नेगेटिव आ गया. अगर ये तरीका पता है फिर तो आपको बात समझ आ गई होगी. अगर नहीं तरीका पता तो यहाँ पे लगा देना टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तब भी आंसर आ जाएगा आपके पास. तो माइनस टेंजेंट थीटा ऑप्शन नंबर बी. 40 में आपसे पूछा गया है पीरियड ऑफ कॉस थीटा. मैंने वही बात बताई, एमसीक्यूज बहुत आते हैं. कॉस थीटा का पीरियड क्या होता है, 2 पाई के बराबर होता है. इन चार का पीरियड 2 पाई, इन टेंजेंट और कॉट का पीरियड पाई होता है. 21 में अब आपसे पूछा गया इसी टॉपिक का सवाल है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा. तो 90 पे फंक्शन चेंज होता है, कॉस है तो वो चेंज हो जाएगा साइन की फॉर्म में. थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा. 90 में से 90 यहाँ पे होता है, कुछ भी एंगल माइनस करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है. तो इस पूरी चीज का आंसर हो जाएगा साइन थीटा के बराबर. 22 जो है ये आपको 2015 के पेपर में मिल जाएगा. ये हमारी बारी में आया हुआ था एमसीक्यूज. जरा देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको. अच्छा जी, तो भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है एस जो है ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. अगर आप फॉर्मूले में देखो तो बी नेगेटिव हुआ है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ बी को नेगेटिव कर दो, मतलब दोनों तरफ माइनस बी कर दो. आप इस तरफ भी मैंने माइनस बी कर दिया, इस तरफ भी मैंने माइनस बी कर दिया. इक्वेशन के दोनों तरफ आपकी मर्जी कुछ भी कर लो आप. अब आप सॉल्व करो ए प्लस बी प्लस सी दो, इसको किस तरह सॉल्व करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करो माइनस बी से और ऐड कर दो इसके अंदर. तो 2 को माइनस बी से करो माइनस 2b और ऐड कर दिए तीनों के अंदर, डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या था 2 के बराबर. जब इसको आप सॉल्व करोगे b माइनस 2b माइनस b, तो a माइनस b प्लस c डिवाइड बाय 2 बराबर हो जाएगा s माइनस b के.
ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक है। और अगर यहां पर लेट कर लो साइन नेगेटिव सी होता, मतलब ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, तो बराबर हो जाता एस माइनस सी के। जिसका साइन यहां पे नेगेटिव है वो यहां पे एस के साथ आ जाएगा। अगर माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होता तो एस माइनस ए ऑप्शन हो जाता। 23 में अगेन वही बात है कि आपको 135 डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। आप मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन पाई से। नहीं कैलकुलेशन आती तो कैलकुलेटर से कर लो, मेरा दिमाग ना खाना। 45 से आप कैंसिल करो, 45 फोर जा 180, 45 थ्री जा 135, तो इसका आंसर हो जाएगा 3π/4, ऑप्शन नंबर बी। 24 में आपसे अगेन डिस्टेंस पूछा गया है। दो पॉइंट है ए कॉमा जीरो और एक पॉइंट है जीरो कॉमा बी। वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, एक्स वन माइनस एक्स टू जो कि जीरो है होल स्क्वायर, प्लस वाई वन जीरो है माइनस वाई टू बी के बराबर है। तो ए का स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पेन हमारा ख़त्म हो गया तो हम जरा रेड से सॉल्व करते हैं। अब आपके पास ये आपको निकालना है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट माइनस वन। तो मेरे पास तो चलो कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास तो कैलकुलेटर है, डायरेक्ट इसको पुट करना, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा माइनस वन के बराबर। ठीक है, टेंजेंट माइनस वन होता है माइनस 45 के बराबर और टेंजेंट इनवर्स माइनस 45 नहीं नहीं टेंजेंट माइनस वन कुछ उल्टा सा हुआ है। टेंजेंट माइनस वन कहाँ, टेंजेंट में तो वन नहीं आता, टेंजेंट में तो आप एंगल पुट करते हो ना, तो वन एंगल पुट करने का सेंस बहरहाल ये वो मशहूर एंगल नहीं है। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में निकालोगे ना, इसकी ट्रिक भी होती है एक, वो हर जगह वैलिड नहीं है लेकिन वो चल जाएगी। मैं उसको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा आप लोगों को, लेकिन उसमें ये होता है कि टेंजेंट को आप टेंजेंट इनवर्स से कैंसिल कर देते हो, आंसर माइनस वन आता है, लेकिन वो ट्रिक कुछ खास वैल्यूज पे लग सकती है, यहाँ पे लग रही है, तो वो बताने से बेहतर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करना भाई, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। उस ट्रिक में पढ़ने से बेहतर कैलकुलेटर है ना आपके पास, तो आप कैलकुलेटर में टेंजेंट इनवर्स लिखना, फिर टेंजेंट लिखना माइनस वन, ब्रैकेट सही तरीके से क्लोज करना वरना एरर आ जाएगा, तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा माइनस वन के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। 26 में आपसे बोला गया है कि 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। तो देखो एक फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, सही। यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल यहाँ पे मौजूद है, या आप ये कह सकते हो यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे टू थीटा है तो टू थीटा का हाफ थीटा मौजूद है। तो अगर यहाँ पे मैं कॉस थीटा कर दूं तो जो यहाँ पे एंगल था थीटा उसका हाफ इधर मौजूद था ना, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा थीटा पॉइंट टू, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट टू का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। मजीद ये हाफ एंगल डबल एंगल के सब फॉर्मूले हैं चैप्टर नंबर 10 में, मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे बाय द वे कॉस थीटा ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 27 में बोला हुआ था सर्किल इंस्क्राइब विद इन अ ट्राइंगल सो दैट इट टचेस ऑल द साइड्स। अब ये मशहूर सर्किल हैं जिनकी डेफिनेशन आती थी, अगर चाहो तो याद कर लो, दो सर्किल हैं, हाँ एक ट्राइंगल के अंदर बनता है एक ट्राइंगल के बाहर बनता है। तो ये वाला सर्किल जो ट्राइंगल के बाहर बनता है इसकी डेफिनेशन सुन लो, ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे उस सर्किल को आप कहते हो सरकम सर्किल। अगेन ये टॉपिक कैंसिल हो गया है, मर्जी है तो कर लो, नहीं मर्जी ना कर लो, ऑब्वियसली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तभी मैंने पीडीएफ में डाला हुआ है ठीक है। ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है या तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है उस सर्किल को आप कहते हो सरकम सर्किल। और ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है, अगर आप इस सर्किल को देखो ये ट्राइंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है, तो इस सर्किल को आप क्या बोलोगे इन सर्किल। ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को करे सर्कम सर्किल, और ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करे उस सर्किल को आप कहते हो इन सर्किल। तो यहाँ से ये बात पूछी गई है द सर्किल इंस्क्राइब, अच्छा इसको इंस्क्राइब सर्किल भी कह देते हैं, एक ट्राइंगल के अंदर सर्किल इंस्क्राइब है सो दैट इट टचेस ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर वो ट्राइंगल की सारी साइड को टच कर रहा है तो उसको आप इन सर्किल बोलोगे, ऑप्शन नंबर ए। 28 में अगेन ये उल्टी चीज पूछी गई है, जो यहाँ पे पूछा गया ना अब पूछा गया टेंजेंट
आर्क टेंजेंट। अच्छा आर्क टेंजेंट जो है ना ये टेंजेंट इनवर्स की नोटेशन है, आप टेंजेंट इनवर्स लिखो या आर्क टेंजेंट लिखो बात एक ही होती है। तो आर्क टेंजेंट की जगह मैं टेंजेंट इनवर्स लिख रहा हूँ, ये होता है माइनस वन के बराबर। तो इसमें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो चलो फिर मसला था ना कि किसी किसी जगह पर ट्रिक वैलिड नहीं है, जब आपका टेंजेंट बाहर हो और इनवर्स अंदर होना मसला ही नहीं है आपको, आप टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स कैंसिल करो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन के बराबर। लेकिन जब टेंजेंट इनवर्स बाहर होता है और टेंजेंट अंदर होता है तब मसला होता है, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर है, दोनों सवालों को आप कैलकुलेटर में डालो आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर माइनस वन होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 में बोला हुआ है द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ को आप शो करते हो एस से, आपको यहाँ पे एस निकालना है, एस का फॉर्मूला होता है आर थीटा। द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 होता है, विद सेंट्रल एंगल, एंगल गिवन है यहाँ पे पाई बाय 6, तो 1 को पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करो पाई बाय 6 आएगा, पाई बाय 6 को अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो 0.52 होता है, तो एस अप्रोक्सीमेटली 0.52 ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। 30 ये पूरी चीज़ आप कैलकुलेटर में डालोगे आपको आंसर मिल जाएगा, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है बाय द वे, √3/2 √3/2 -1/2 1/2 3/4 -1/4 ये हो जाएगा 2/4 ये हो जाएगा 1/2, तो आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे डायरेक्ट आपको 1/2 मिल जाएगा। 31 में लिखा हुआ है इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल, ये डेफिनेशन होती है जो रेडियन है ना उसकी डेफिनेशन होती है, कि 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है कि जब आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस के तो जो एंगल बन रहा होता है उसको आप बोलते हो 1 रेडियन, कि अगर आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस के तो जो आपके पास एंगल बनता है ना उस एंगल को आप कहते हो 1 रेडियन। तो ये चीज बोली गई है आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, तो सेंट्रल एंगल क्या होगा 1 रेडियन के बराबर होगा। सेंट्रल एंगल कोई नई चीज नहीं है जो सेंटर पे एंगल बन रहा है। 32 में बोला है कि अगर गैमा 90 डिग्री के बराबर है तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा, तो अगर आपको याद हो लॉ ऑफ कोसाइन जिसमें गैमा आ रहा था वो ये था कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा, ये लॉ ऑफ कोसाइन था जिसके अंदर गैमा आ रहा था। अब वो बोल रहे हैं कि अगर गैमा 90 डिग्री के बराबर है तो फिर लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा, तो अगर गैमा की जगह आप 90 डिग्री पुट कर दोगे कॉस 90 होता है 0, तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाए ये अपने साथ वाली को भी 0 कर देगी तो ये पूरी चीज 0 के बराबर हो जाएगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी। 33 में बोला हुआ है इन एन ई स्क्राइब सर्किल, ये जो मैंने आपको R1 R2 R3 करवाए थे ना जो कि टॉपिक में नहीं इंक्लूड, मैंने पहले बता दिया था, तो उन्हीं का फॉर्मूला पूछा गया डेल्टा अपॉन R3। मैंने R3 का फॉर्मूला बताया था, R3 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस C, तो आप S माइनस C को उधर ले जाओ R3 को नीचे ले आओ तो डेल्टा अपॉन R3 बराबर हो जाएगा S माइनस C के ऑप्शन नंबर डी। टॉपिक कैंसिल हो गया, चाहो तो कर लो बना रहने दो। 34 में आपसे R पूछा गया कि आपने R निकालना है, तो बहुत ही इजी तरीका है जिससे आप R निकालोगे, यहाँ पे एक इक्वेशन है R cos थीटा, एक इक्वेशन है R sin थीटा, तो मुझे जो इजी तरीका लगा है वो ये है कि आप दोनों इक्वेशन को बेसिकली आपको R निकालना था और मेरी बैटरी हो रही थी लो लेकिन मैंने उसको मना कर दिया है कि मुझे बनानी है वीडियो अभी। अच्छा तो आर आपने निकाला है, डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीके से आप दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक में खास तौर पे कॉस और साइन है तो बड़ा इजी तरीका होता है, आप दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और फिर ऐड कर दो, जो तरीका मेरे जहन में आ रहा है, कोई इजी मेथड भी हो सकता है आप लोगों के जहन में शायद बहरहाल, तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अब आप आपस में ऐड कर दो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 16 + 9 = 25। अगर आप यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 के बराबर, तो ये पूरी चीज़ 1 हो जाएगी, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 के और आर की वैल्यू हो जाएगी +-5। यहाँ पे आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे आर जो है वो काइंड ऑफ रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉजिटिव आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी। और 35 आखिरी है, उसमें उन्होंने बोला है कि 10.5 डिग्री को आप चेंज करो रेडियन के अंदर, तो इसको आप मल्टीप्लाई करना पाए बाय
188, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना। आई गेस ऑप्शन नंबर बी आएगा, लेकिन मैं वैसे तसल्ली के लिए कर लेता हूँ। 10.5 को आप लिख सकते हो 21/2। आप इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। हाँ, 21 को हम कैंसिल कर सकते हैं 7 से। 7 के टेबल में 180 तो नहीं आता ना, 3 से कैंसिल कर देते हैं। तो ये 7 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो 120, तो ये हो जाएगा 7π/120। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है। तो जो आप लोगों के पास पेपर के MCQs है ना, वो मैंने कर लिए। अब मैं मोबाइल बेचारे को थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी MCQs हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 36 में लिखा हुआ है द 3600th पार्ट ऑफ डिग्री। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक डिग्री के अंदर ना 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर आप डिग्री को 3600 में तकसीम करोगे तो वो एक हिस्सा एक सेकंड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप डिग्री को 60 हिस्सों में तकसीम करोगे तो एक हिस्सा एक मिनट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री के 3600 हिस्से किए हैं, तो वो जो एक हिस्सा है वो क्या कहलाया जाएगा? 1 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे ठीक है। 37 में बोला हुआ है इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस डेफिनेटली नेगेटिव होता है, कॉस जस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 38 में लिखा हुआ है 60 मिनट्स, ये मिनट का सिंबल होता है। अब 60 मिनट के डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर हो सकता है, 60 मिनट 3600 सेकंड के बराबर हो सकता है, डिफरेंट इसके आंसर हैं। तो यहां पे कौन सा लिखा हुआ है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सेकंड लिखा हुआ है कि 60 मिनट के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, 60 मिनट के अंदर 1 डिग्री और 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, सिंपल मैथ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे ठीक है। 39 मुझसे दोबारा रिपीट हो गया, पहले भी मैंने करवाया था, 0.52 इसका आंसर आया था, तो इसको रहने देता हूं मैं, क्योंकि 60 MCQs है, मैं तरतीब चेंज नहीं करना चाह रहा। 39 बिल्कुल वही था जो मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, R1 था, थीटा पाई बाय 6 है, तो S भी पाई बाय 6 आएगा, मतलब 0.52। 40 में लिखा हुआ है एन एंगल इज सेट टू बी नेगेटिव इफ द रोटेशन इज, हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव है इसका मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। 41 में ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालना, पूरा आप ही कैलकुलेटर में लिखना। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, कैलकुलेटर डिग्री में है या रेडियन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे देखो, एंगल आप रेडियन के अंदर पुट कर रहे हो ना, तो कैलकुलेटर भी आपका रेडियन के अंदर होना चाहिए। या दूसरा हल ये कि सब एंगल को आप डिग्री में पुट करो, जैसे पाई बाय 4 को 45, पाई बाय 6 को 30, पाई बाय 3 को 60। या तो अगर आप डिग्री में पुट कर रहे हो तो कैलकुलेटर आपका डिग्री में, तो बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहरहाल, इसका आंसर निकालना या तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा होगा या ऑप्शन नंबर डी आ रहा होगा, ये आप कैलकुलेटर से निकालना, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। 42 में लिखा हुआ है साइन ए माइनस साइन बी, ये बेसिकली फॉर्मूला है साइन यू माइनस साइन बी का, ज्यादातर आप इस फॉर्मूले से फेमिलियर हो, साइन यू माइनस साइन बी। तो साइन यू माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है ना, वो फॉर्मूला होता है साइन यू माइनस साइन बी का। तो यू वी की जगह आप ए बी पुट कर दो, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहां पे ठीक है। 43 में आपसे बोला हुआ है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो याद रखना 270 पे फंक्शन चेंज होता है, साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस की फॉर्म में, जो यहां पे एंगल है वो यहां पे आ जाएगा। 270 में जब आप कुछ भी ऐड करते हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई माइनस कॉस थीटा इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे बोला हुआ है कि अगर टेंजेंट अल्फा जो है वो 1 के बराबर है तो मालूम करो टेंजेंट 2 अल्फा। टेंजेंट का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है? 2 टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये डबल एंगल फॉर्मूला होता है टेंजेंट का, वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, ऊपर कुछ भी हो नीचे देखो क्या हो रहा है, जब आप यहां पे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, टेंजेंट अल्फा 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा, तो ऊपर कुछ भी आ जाए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब आपकी फ्रैक्शन इनफाइनाइट हो जाएगी या अनडिफाइंड भी हम लिख रहे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पे ठीक है। 45 में आपसे अगेन क्वाड्रेंट डिसाइड करने को बोला गया है। देखो कॉस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, इस टाइप का सवाल पहले भी आया था, जब कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हैं इसका मतलब बात की जा रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, टेंजेंट पॉजिटिव होता है। 46 में एक इक्वेशन है, उसका जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है, इक्वेशन है 2 sin x - 1 = 0, 13.2 का टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ईजी सी इक्वेशन है। यहाँ पे sin x जो है ये बराबर हो जाएगा 1/2 के,
एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 के। तो साइन इनवर्स 1/2 पुट करोगे, कैलकुलेटर आपको 30 डिग्री देगा, रेडियन में अगर आप लिखना चाहो तो पाई बाय 6। ठीक है, मैंने 13.2 में बताया था साइन के केस में दूसरा एंगल आप कैसे निकालते हो, पाई में से माइनस करते हो। तो पाई माइनस पाई बाय 6 ये पूरी चीज होती है 5π/6 के बराबर। तो पाई बाय 6, 5π/6 ये दो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक है। मतलब आपको पता है 13.2 में साइन के केस में आप 2nπ ऐड करते थे जनरल सॉल्यूशन में। तो पाई बाय 6 के अंदर 2nπ ऐड करो, 5π/6 के अंदर 2nπ ऐड करो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे ठीक है। 47 में आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है जब दो साइड एक एंगल गिवन हो, और कौन सा एंगल, बीटा अगर गिवन हो। तो अगर बीटा गिवन होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 साइन बीटा। अगर बीटा मौजूद है तो इसके साथ बी नहीं होगा, बाकी दो साइड होंगी, मतलब ए सी। तो 1/2 ए सी साइन बीटा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहां पर ठीक है। 48 में आपसे बोला है वैल्यू ऑफ ए माइनस बी प्लस सी निकालो। ये वही सवाल है जो हमने किया था अभी कि ए माइनस बी प्लस सी बराबर था 2/2, ये बराबर था एस माइनस बी के, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को करवाया था। तो आपसे जस्ट ऊपर वाली चीज पूछी गई है, तो आप इस 2 को वहां जाके डिवाइड कर दो, 2 मल्टीप्लाई एस माइनस बी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे ठीक है। 49 में आपसे बोला गया कि इसमें से कौन सा हीरोज फॉर्मूला है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है उसको आप कहते हो हीरोज फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यूज होता है। 50 में आपसे लॉ ऑफ टेंजेंट का सवाल पूछा गया है। लॉ ऑफ टेंजेंट अगर आपने देखा होगा ना तो आप फौरन देख के बता सकते हो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, क्योंकि बाकी दो ऑप्शन लॉ ऑफ टेंजेंट के होते ही नहीं है इस तरह। और याद करने का मैं तरीका बता देता हूं, आपसे पूछा गया सी प्लस ए अपॉन सी माइनस ए। तो सिंपल, लॉ ऑफ टेंजेंट में ऊपर एक टेंजेंट आता है, लॉ ऑफ टेंजेंट में नीचे एक टेंजेंट आता है। ठीक है, अब अगर सी लिखा हुआ है तो गैमा, ए लिखा हुआ है तो अल्फा, आपस में ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2। नीचे भी सेम वही है, बस आपस में आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये टेंजेंट लॉ है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पे डेफिनेटली ठीक है। 51 में टेंजेंट बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला पूछा गया है। टेंजेंट बीटा अपॉन 2 के दो फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर। वहां पे टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। टेंजेंट बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जबकि चैप्टर नंबर 12 में इन टर्म ऑफ साइड लेंथ भी एक हाफ एंगल फॉर्मूले थे, और आई गेस वो है ऑप्शन नंबर आई गेस सी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी मुझे लग रहा है, बुक में मेंशन है, आप लोग बुक में भी देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी ठीक है यहाँ पे। 52 में आपसे लॉ ऑफ साइन पूछा गया। लॉ ऑफ साइन डिफरेंट हो सकते हैं। जो बड़ा वाला लॉ ऑफ साइन है वो ये है, ए अपॉन साइन अल्फा बराबर है बी अपॉन साइन बीटा बराबर है सी अपॉन साइन गैमा। आप एट अ टाइम आप कोई भी दो पिक कर सकते हो, लेकिन याद रखना ए के नीचे अल्फा, बी के नीचे बीटा, सी के नीचे गैमा। अगर ऑप्शन नंबर ए देखो, नहीं सही है, कुछ और सोच रहा था। अच्छा, अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखो, बी के नीचे तो बीटा है लेकिन सी के नीचे अल्फा आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो गलत हो जाएगा। बी में देखो, ए के नीचे बीटा, बी के नीचे अल्फा, ऐसा कोई लॉ ऑफ साइन नहीं है, गलत है। सी में देखो, ए के नीचे अल्फा, बी के नीचे बीटा, इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो यहां पे ठीक है। यहां पे ऑल ऑफ दीज का भी था, तो कभी आंखें बंद करके ऑल ऑफ दीज ही लगा देना, जरूरी नहीं कि जब ऑल ऑफ दीज आते तो वो राइट ऑप्शन होगा। बहरहाल 53 में आपसे कोसाइन लॉ जो है, एक तो था ना साइड्स की फॉर्म में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस फॉर्म में था, एक एंगल की फॉर्म में भी था। यहां पे आपसे पूछा गया है कॉस गैमा का आंसर बताओ, तो कॉस गैमा क्या होगा, गैमा के अलावा दो साइड कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गैमा के सामने साइड होती है सी स्क्वायर, उसके साथ नेगेटिव लगा दो डिवाइडेड बाय 2ab। तो अल्लाह भला करे ये फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर सी। 54 में आपसे बोला हुआ है कॉस मल्टीप्लाई टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी। अब देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी कैलकुलेटर में नहीं निकाल सकते आप, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है। टेंजेंट 90 पे जाके ना इनफाइनाइट हो जाता है, तो मतलब इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा था साइन इनवर्स 1/2, तो उसका मतलब ये होता है कि आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा एंगल बताओ जिसके ऊपर साइन 1/2 था। आप कहते हो पाई बाय 6, पाई बाय 6 के ऊपर साइन क्या होता है, 1/2 होता है।
इसी तरह इसका मतलब क्या है, वो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि बताओ टेंजेंट किस एंगल के ऊपर इन्फिनिटी है। तो आपको पता है टेंजेंट किस एंगल पे इन्फिनिटी होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 आप लिख सकते हो। तो कैलकुलेटर से नहीं आएगा, वैसे आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी 90 होता है, और कॉस 90 आपको पता है 0 के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। 55 में बोला हुआ है कि 2 की पावर कॉस थीटा बराबर होता है 1 के, किस वैल्यू ऑफ थीटा के। ठीक है, अच्छा वैसे आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, 2 की पावर क्या हो आंसर 1 के बराबर हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो 2 की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा। अब थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको 0 कर दे, 90 डिग्री। अभी भी आपने देखी थी कॉस 90 0 होता है, तो अगर आप थीटा की जगह 90 पुट करोगे तो कॉस 90 मतलब 0, 2 की पावर 0 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे आप समझ सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है 90। और सॉल्व करना है तो ये 13.2 का क्वेश्चन है, 1 को आप लिखो 2 की पावर 0 लिख सकते हो बिल्कुल, बेसिस सेम है, पावर को इक्वेट करवाओ कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 0, कैलकुलेटर से निकालना 90 डिग्री आ रहा होगा। तो इस तरीके से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। 56 में बोला हुआ है साइन थीटा अगर 0 के बराबर है, तो ये मैंने आप लोगों को 13.2 में बताया था कि अगर साइन थीटा 0 के बराबर होता है तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसका जनरल सॉल्यूशन हम लिखते हैं एन पाई। जब भी साइन थीटा 0 के बराबर है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है एन पाई। ये कैसे होता है, 13.2 में मैंने ये रीजन बताई भी थी इसकी। वैसे अगर याद करनी तो साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एन पाई के बराबर होता है, वेयर एन जो है वो इंटीजर है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। और एक और बात भी बता दूं, कॉस थीटा 0 के बराबर जब होता है ना तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ये जनरल सॉल्यूशन होता है। अगेन वही बात, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर कॉस थीटा 0 के बराबर है तो उसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है, और अगर साइन थीटा 0 के बराबर है उसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है। एमसीक्यूज में साइन का पूछा गया है, मैंने आप लोगों को कॉस का भी बता दिया। कैसे आया ये आप 13.2 अगर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। 57 में प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है, जो आप कैलकुलेटर से निकालते हो ना, जो एक एंगल आता है वो प्रिंसिपल एंगल ही होता है। तो अगर आप कैलकुलेटर में साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 लिखोगे ना तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा -60 डिग्री, जो कि होता है -π/3 अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करो, ऑप्शन नंबर बी। 58 में लिखा हुआ है सर्किल विच पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने सरकम सर्किल की डेफिनेशन बताई थी कि सरकम सर्किल ऐसा सर्किल होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है। ये टॉपिक कैंसिल हो गया है, लेकिन अगर याद रख सकते हो तो रख लो, ऑप्शन नंबर ए। 59 में आपको देखो एक साइड, ये वैसे सवाल आते नहीं है एमसीक्यूज में, लेकिन ये बहुत ईजी सवाल है, इसमें आपको कुछ लॉ ऑफ कोसाइन या साइन लगाने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे समझ सकते हो आप कि आपको दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, लेकिन जो चीज निकालने को बोली गई है वो बहुत ही ईजी है। आपसे बोला गया है कि आप गैमा निकालो, तो ये तो बेसिक बात आपको पता होगी, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल कौन से, 50 60 को ऐड करो तो क्या आता है, 110 और 180 में क्या फर्क है, 70 का। इसका मतलब गैमा क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, तभी तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप 180 में से इन दोनों एंगल का सम निकाल लो तो आपके पास यहाँ पे गैमा आ जाएगा 70 डिग्री। और आखिरी एमसीक्यूज है वो है 2 डेल्टा / AC किसके बराबर है। तो ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था 1/2, जिसके अंदर AC आता था, 1/2 AC sin β, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था। अब आप इसको थोड़ा अरेंज करो, ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये AC मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 डेल्टा / AC किसके बराबर हो जाएगा, sin β के, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे ठीक है। तो बात के 35 MCQs पास पेपर के मैंने अपनी तरफ से खुद क्यों करवाया हर चैप्टर के अंदर, कि आपका दिमाग थोड़ा तेज हो, आपको डिफरेंट अंदाज में सोचना आना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा भी MCQs आ सकते हैं, वो कहाँ से आएंगे, आपकी थ्योरी से आएंगे, जो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है वो अगर आपको आता है तो आप आसानी से कर लोगे। तो बच्चों ठीक है, मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी आप लोगों के एग्ज़ाम जो 31 अगस्त को है कराची वालों के लिए, हैदराबाद वालों के लिए शायद 24 को है, इम्प्रूवमेंट वालों के लिए शायद 26 को है, मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है।
आज क्या तारीख है? आज 23 है, ठीक है? आज तो वैसे 22 से कल अपलोड करूंगा। अच्छा, 23 है आज, तो इंशाल्लाह एक दिन पहले जो हैदराबाद बोर्ड वाले उनके लिए भी है, इम्प्रूवमेंट वालों के लिए भी है, और जो अगस्त में है 31 अगस्त को जिनका है कराची बोर्ड वालों के लिए, उनके लिए भी मैंने अपलोड कर दिया। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आखिरी वीडियो है, अल्लाह आप लोगों का साथ दे। मेहनत करना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, एमसीक्यूज़ को लाजमी देख लेना। तो यहाँ तक बात कंप्लीट है मेरी। अल्लाह हाफिज़।